द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड लॉ याद है आपको? थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वॉज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है, याद रखना, मैं इसके पहले आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की याद दिलाता हूं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि अगर दो जीन पेयर अलग अलग क्रोमोसोम में हो तो उनका सेग्रीगेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। एकदम शांत होकर के सुनते जाओ, इसे वापस फिर से मैं सुनाऊंगा। एक बार पढ़ा चुका हूं, आज रिवाइज करा रहा हूं, अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद वापस यहां लौटूंगा। मैंने कहा था अगर मान लीजिए कोई अलील है, जीन है कैपिटल ए और उसके सामने स्मॉल ए है और कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो ये दोनों एक अलील पेयर है, ये दूसरे अलील पेयर है और दोनों एक ही क्रोमोसोम में कि अलग अलग? एक ही में। कितने बेवकूफ हो तुम, दोनों एक ही में है कि अलग अलग? एक ही में, अलग अलग है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए सात है कि अलग अलग? सात वाले क्रोमोसोम में, और कैपिटल बी स्मॉल बी सात, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम में, कैपिटल और ए और बी एक साथ है कि अलग अलग? ये वीडियो ऑन है? तो बोलते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए का सेग्रीगेशन कैपिटल बी और स्मॉल बी के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इधर ध्यान दो बेटा, अगर गैमीट बनने जाएं तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है, यू भी हो सकता है कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए। तो दूसरा गैमीट यू भी हो सकता है कि सर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए, यू भी हो सकता है कि सर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए, और यू भी हो सकता है सर कि स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाए। मैंने आपको ये सिखाया था, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए का सेग्रीगेशन कैपिटल बी और स्मॉल बी के सेग्रीगेशन पे डिपेंड। और मैंने बोला था कैपिटल ए अपना कॉम्बिनेशन कैपिटल बी के साथ भी बना सकता है, कैपिटल ए अपना कॉम्बिनेशन स्मॉल बी के साथ भी बना सकता है। और मैंने बोला था कि इस तरीके का होना पेरेंटल है, इस तरीके का होना भी पेरेंटल, इस तरीके का होना रिकॉम्बिनेंट है, और ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ये पेरेंटल की नॉन पेरेंटल, और ये वाला पेरेंटल। तो बताइए हमारे पास सबका परसेंटेज 25% होगा, कितना? और 25% होने पर पेरेंटल 25 और 25 कितना हो गया? 50, और रिकॉम्बिनेंट 50। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ, क्या हुआ? तो बताइए कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट और कितने परसेंट बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट? 50%। इतना अगर आप मुझे जानते हैं, अगर आप इतना सीखे हैं, तो आज का काम चल जाएगा। चलिए एक बार पूछ लेता हूं, व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एली इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन। पक्का? अब मैं 1.5 घंटे तक आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ा चुका हूं, केवल रिवाइज कराऊंगा। अगर वो आपको आती है तो लिंकेज अगले आधे घंटे में आ जाएगा। तो टोटल 2 घंटे की क्लास में हमें 1.5 घंटे केवल ऐसी चीजें पढ़नी है फालतू की जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे मियोसिस में क्रोमोसोम का मूवमेंट। क्या आप मियोसिस जानते हैं? चलिए, मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है? 2। वाह मेरे बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। एक सेल से कितनी? बताइए, जो मियोसिस में मदर सेल होती है वो 2n की 2n, और डॉटर सेल क्रोमोसोम नंबर सेम की हाफ। तो मियोसिस के दौरान जो बेटा, ये मियोसिस किसके दौरान होती है? गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होने वाले डिवीजन का नाम मियोसिस, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम की हाफ, और इसी को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। बोलते हैं मियोसिस करने के लिए भी आपको सेल साइकिल से गुजरना पड़ेगा। वादे से ज्यादा लोग तो सेल साइकिल का नाम सुनकर कांप जाते हैं कि सर ये क्या है। हाँ चलिए बताओ, सेल साइकिल में 3 फेजेस हैं, याद है? एक ऑन जी1 एस जी2। अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये बताओ जी1 एस जी2 में सेल्स डिवाइड कर रही है? यस सर, सेल डिवाइड।
इस फेज का नाम याद है? Yes, नाम बताओ, इंटरफेज। क्या ये फेज इंटरफेज है? Yes, बहुत बढ़िया बात पढ़ा रहे हो, इंटरफेज है ये। ध्यान देते रहो, कोई भी चीज मुफ्त में मिले वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में तुम काम की चीज भूल जाओ। यस, इंटरफेज में तीन फेज है, एक जीवन और एक एस और एक जी टू। जीवन एस जी टू के बाद आपके सामने जो फेज आ रही है इट इज एम फेज। यहां से लेकर यहां तक जो फेज जा रही है क्या है? एम फेज। और एम फेज में जो भी पहली फेज है उसका नाम है कैरियोकाइनेसिस। क्या मैंने आपको डिफाइन की थी? बोलो, कैरियोकाइनेसिस याद है? कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन है, टोटल चार फेज है। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और ये वाला साइटोकाइनेसिस। याद है? बता भाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तक क्या होगी? कैरियोकाइनस। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, और इस पूरी फेज का नाम एम फेज। तो बताओ सेल साइकिल में कितनी फेज? एक कौन? इंटरफेज, दूसरा। और ये इंटरफेज और एम फेज आपको क्या कॉन्सेप्ट देती है? कॉन्सेप्ट सुनो, अगर इस दुनिया में कोई सेल अपना न्यूक्लियस और अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड करे, इधर देखते रहोगे तो आ जाए, और डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बनाए, तो क्या हो सकता है? टेक्निकली अगर आप लोग गणित अच्छी रखते हैं तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियस आधा आधा चला जाएगा, साइटोप्लाज्म आधा आधा चला जाएगा। तो मैं कहूंगा मान लीजिए न्यूक्लियस का अमाउंट सी था, तो आपने कहा सर जब दो सेल बनेंगी तो यहां सी बाई टू चला जाएगा, यहां सी बाई टू चला जाएगा। अगर आप इन्हें ये बात सच मान ली तो आपके साथ नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये फर्दर डिवाइड करेगी दो सेल में, तो सी बाई टू का हाफ सी बाई फोर, और इसका हाफ सी बाई, फिर वो डिवाइड करेगी तो हाँ सी बाई, फिर वो डिवाइड करेगी। यानी जितनी ज्यादा सेल डिवाइड करे न्यूक्लियस बड़ा होता जाना चाहिए कि छोटा? पर भगवान ने ऐसा किया, भगवान कहते हैं कि हर सेल जब भी डिवाइड होने जा रही है उसके पहले ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? तो वो अपने न्यूक्लियस को पहले ग्रो कराएगी। क्या कराएगी? ग्रो। और सी से करेगी टू सी। बोलो क्या करेगी? यानी अपना न्यूक्लियस कम किया कि ज्यादा? अमाउंट में कि नंबर में? अमाउंट में। और अमाउंट में न्यूक्लियस, नंबर एक ही था, अमाउंट में न्यूक्लियस बढ़ा दिया कि घटा दिया? बढ़ा दिया। और फिर बांट दिया, बताइए पहले कितना था? सी। क्या किया? टू से। फिर बना दिया सी एस। अब ये डिवाइड करने जाएगी, पहले क्या करेगा? टू से, फिर सी एन सी। बताओ कभी भी तुम्हारे पास न्यूक्लियस की कमी आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए हर डिवीजन के पहले एम इज डिवीजन। तो हर डिवीजन के पहले भगवान ने आपको क्या दिया? जीवन एस जी। लोग इसे गैप बोलते हैं, मैं इसे ग्रोथ बोलता हूं। जीवन भी ग्रोथ है, एस भी ग्रोथ है, जी टू भी ग्रोथ है। इस जीवन एस जी टू के दौरान हम अपने न्यूक्लियस को ग्रो कराते हैं। एक्चुअली एस फेज में हम अपने न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन करा देते हैं। क्या करते हैं? तो डीएनए का डुप्लीकेशन करने पर क्या होगा? जितना भी डीएनए रहेगा वो सी रहा होगा, सी को पहले क्या करेंगे? टू सी। फिर कैसे बांटेंगे? सी एन सी। तो फिर टू सी एन सी एन सी। यानी हर सेल डिवाइड होने के पहले अपने न्यूक्लियस को घटाएगी कि बढ़ाएगी? और फिर बड़े हुए न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड। ये सिंपल बात है। तो बताओ जीवन में सेल डिवाइड? एस में, जी टू में। पर डिवीजन की तैयारी कर रही है ताकि अमाउंट घटे कि बढ़ जाए, फिर बढ़ा हुआ अमाउंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो बताओ ग्रोथ करना है फिर डिवीजन करना है, ये प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। अब की बार आई है मियोसिस। बोलो क्या? और मियोसिस में इंटरफेज एक बार, कितनी बार? फिर से बोलो, एक बार। और बेटा एम फेज दो बार, मियोसिस वन मियोसिस टू। तो पहली डिवीजन में एक से दो, और दूसरे डिवीजन दो से चार। तो बताओ एक सेल से कितनी साल चल? चार। तो एक मदर सेल से कितनी सेल बने? चार। अगर आप इसे सीख गए हैं तो एक बार मेरे साथ और आइए, फिर से मैं वही चीज लिख रहा हूं जो आपके सामने मैंने अभी अभी लिखी थी। अरे ठीक है, मिल जाएगा यार, इधर ध्यान दो। बोलो, ये वाला फेस, ये वाला बताओ जीवन एस जी टू दिख रहा है? इसमें सेल डिवाइड कर रही है? इसके बाद बेटा एम फेज आया, एम फेज में डिवाइड करो, पहला
दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर, और ये एक बार होगा कि दो बार? मियोसिस एक बार कि दो बार? और अब पूरा सतर्क होकर के बैठिए, मैं से बार बार पढ़ाऊंगा, आप बोर हो जाओगे। जब आप जीवन से शुरू करते हैं तो आपके पास 23 पेयर क्रोमोसोम है। कितने पेयर? 23। सर ने तो एक ही पेयर बनाया, 23 पेयर बना सकते नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। जैसा एक पेयर वैसा दूसरा पेयर, तैसा तीसरा पेयर। तो हमारे पास कितने पेयर है? 23 पेयर क्रोमोसोम वी हैव। हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है। तो मैं हर एक पेयर का पूरा जीनोम यानी 23 क्रोमोसोम को एक साथ गिनता हूं और एन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एक को बोलता हूं कि 23 और दूसरे 23 को मैं बोलता हूं एन। तो बताओ हमारे पास कितने नंबर हैं? 2 है। तो पहला 23, दूसरा 23, और हर 23 वाले पेयर का, हर क्रोमोसोम का अपना क्रोमेटिड, इट इज सिंगल क्रोमेटिड। ये एक क्रोमेटिड होता है, इसे जो दो बोलते हैं वो बेवकूफ है। ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो बताइए क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड की दो? वाह, एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड, दूसरे क्रोमोसोम के पास भी एक क्रोमेटिड, तो हर क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड। यस और नो? तो सारे क्रोमेटिड का अमाउंट तौल कर मैं बोलता हूं सी। बोलो क्या? और इनका भी सी। तो बताइए मेरे पास क्या? 2C। तो बताओ 2N2C लेकर चल रहा हूं मैं किस फेज में? जीवन। जवाब दो, बताओ 23 एक साथ N, दूसरे 23 और उन 23 के क्रोमेटिड का नंबर सी, अमाउंट सी, दूसरे 23 का सी, तो नंबर कितना हो गया? 2N और अमाउंट 2C। फिर कौन सी फेज आई? S। मदद करो, कौन सी फेज? और जैसे ही S फेज आई, 23 के 23 क्रोमोसोम अपने क्रोमेटिड को डबल करेंगे, नंबर को कि अमाउंट को? तो बताओ जिसके पास सी हुआ करता था, आज उसके पास सी और सी। बोलो क्या? 2C और दूसरे में भी 2C। यस और नो? तो बताइए सी और सी के साथ आज हमारे पास टोटल सी कितनी हो गई? 4C। लेकिन नंबर? नंबर। तो बताइए कितना नंबर? 2N4C। किसने किया? तो बताओ G2 में भी क्या होगा? 2N4C। अगर मैंने बोला मेरा एक हाथ और एक पैर मुझे एक नंबर देता है, सीधे किसका फोन है? क्या आया? कॉल आ रही है, बात कर लो। मम्मी की है तो? मम्मी की है? पापा की है? बात कर लो। बताइए मेरा नंबर आधा है कि एक? अरे मुझे अभी भी टिकट एक ही खरीदनी पड़ेगी ट्रेवल करते वक्त। नहीं सर, आप आधे हो तो इसलिए आधी टिकट। अब बताओ मेरा नंबर कितना है? अमाउंट पहले से डबल हो गया। तो बताओ जब क्रोमोसोम था तो ये एक क्रोमोसोम था कि आधा? एक था। और अमाउंट जितना था उसे अगर सी माने तो अब बताओ? तो एस वेज ने मेरा नंबर बढ़ाया कि अमाउंट? और ये कब तक बढ़ा रहा? G2। फिर कौन सा फेज आया? प्रोफेज। फिर से बोलो, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। और प्रोफेज ऑफ मियोसिस की खास बात है, मियोसिस में जो प्रोफेज है वो बहुत ही खतरनाक है। 5 स्टेप की है, याद है? नहीं याद है तो सुन लो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस। 5 फेज है, इसमें तुम सब भूल जाओ लेकिन जाइगो मत भूलना। क्या? जाइगोटीन वो फेज है जिसमें जाइगस बनता है। क्या बनता है? जाइगस। जाइगस का मतलब पेयर। तो जो क्रोमोसोम थे वो पेयर में आए और पेयर में आने के बाद आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जेनेटिक। बताइए इस क्रोमोसोम की ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर की नॉन सिस्टर? और ये दोनों नॉन सिस्टर? और ये दोनों? तो ये दोनों सिस्टर। और ये दोनों? और ये दोनों? ये दोनों? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, कौन सी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं। इसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। बोलो क्या? क्रॉसिंग ओवर।
तो बताओ मियोसिस फर्स्ट में, पहली मियोसिस में, प्रोफेज में एक बड़ा इवेंट होता है। हाँ बेटा, घर जाना है, कुछ दुर्घटना तो नहीं हुई? पापा का ही फोन था। नहीं नहीं, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का नहीं भैया, इट्स माय लाइफ, है ना। किसी की भी पर्सनल लाइफ में आपका कोई दखलंदाजी नहीं है, आप बता सकते हो कि आपके लिए क्या सही है, है कि नहीं। अब जैसे यादव जी दो दिन से गायब है, दो तीन दिन से, तो अब उनको बताया ही जा सकता है कि केमिस्ट्री करके जब तुम निकल रहे होते तो पीछे सुनील सर बैठे तुम्हें देख रहे होते। यादव जी से बता देना, ऑनलाइन नहीं करवाएंगे। करवा रही है, करवा लिए, अब ऑनलाइन में आ गया समझ में। ऑनलाइन में थप्पड़ नहीं बैठता ना बेटा, बोले थप्पड़ की सुविधा केवल ऑफलाइन में। आप बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी, तुम्हें जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है बताओ। प्रोफेज आया, प्रोफेज में दोनों क्रोमोसोम जाइगस हुए। व्हाट इज जाइगस? जाइगोटी, पेयर हुए। और पेयर में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जेनेटिक मटेरियल, नाम बताओ। क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की सुविधा मियोसिस में है, माइटोसिस में नहीं है। प्रोफेज के बाद कौन सी फेज आई? मेटाफेज में ये दोनों क्रोमोसोम, बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों क्रोमोसोम जो बदतमीजी करनी थी कर चुके, नाम बताओ। और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद प्लेट में आ गए। कहां पर आ गए? प्लेट में। तो सेल की बीचों बीच आ गए, प्लेट में आ गए। और मेटाफेज में ही स्पिंडल बनने लगे। क्या बनने लगे? स्पिंडल। सुन लो बेटा, क्या बनने लगे? स्पिंडल। और मेटाफेज के बाद आया एनाफेज। और एनाफेज के दौरान ये अलग अलग पोल में खींचे जाने लगे। और जब खींचे जाने लगे तो क्या टूटा? पेयर। क्रोमोसोम टूटा कि पेयर? पेयर। पेयर अलग हो गया। और एंटीलोफेज तक आते आते वो एक सेल के अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियस में पहुंच गए। एक न्यूक्लियस के अलग अलग, तो बताओ पेयर रहा कि टूट गया? टूट गया। अब बताओ दोनों एक साथ रहे कि अलग अलग? अलग अलग। बताओ ये फेज प्रोफेज, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंटीलोफेज, क्या खत्म हुई? और अभी बच्चों क्या बाकी है? मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड बाकी है। तो बताओ पहला कौन हुआ? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर। फिर से बोलो, अगर क्रॉसिंग ओवर ना होती तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। तो बोलो तो पहले मियोसिस से एक सेल से कितनी बनी? दो। अब ये दोनों सेल प्रोफेज में दोबारा आई और मेटाफेज में दोबारा आई। जब दोनों मेटाफेज में दोबारा आई, अब मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हें दो अलग अलग सेल दिख रही हैं, मान ले हम। अरे ये दोनों एक ही सेल में गए कि अलग अलग? तो बताइए अब की बार जो क्रोमोसोम गए वो पेयर गए कि अनपेयर? अनपेयर। और अब की बार जो मेटाफेज में स्पिंडल बना, वो स्पिंडल जो बना वो पेयर में बना कि अलग अलग? अलग। अभी बताओ पेयर अलग हो रहा कि क्रोमोसोम? तो बताओ क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अलग हो रहा है कि क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहा है? तो बताओ ये मेटाफेज आया। मेटाफेज के बाद एनाफेज आया। बोलो क्या आया? एनाफेज। तो क्या ये बीच से टूटा? ये भी बीच से टूटा। तो इससे कितने न्यूक्लियस बने? दो। और इससे दो। तो टोटल कितने? चार। मान लू चार। yes, तो बताओ हर जगह पर इससे टूटा तो इससे दो चले गए, और इससे टूटा तो इससे दो चले गए। अब जरा मुझे बताओ अंततः, अंततः आपके पास क्या हाथ लगा? अगर बता गए तो अच्छा बात। बताओ एन की सी, ये 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 अमाउंट, सी 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 सी, चालू कहां से किया था? 2N2C, बचे कहां? MNC, यानी एक पेयर क्रोमोसोम ने चार सेल बना दी। बोलो कैसी? यानी कि 23 पेयर ने कितनी बनाई? चार सेल। यहां एक पेयर का मतलब है पूरा एक, 23, और ये दूसरा 23। तो मैं एक जगह दिखा रहा हूं कि 23 जगह होगा, 23। तो बताओ हमारे पास कितनी, कितने गैमेट बने? चार। कितने? चार हुए। जस्ट फॉर एनिमेशन, प्लीज हंसिएगा मत, इफ यू कैन डू दिस, एक पैर अंदर खींचना है, ठीक है, लाइक दिस, एक हाथ जो वाला हाथ पैर खींचा वो हाथ अंदर करना, वो वाला हाथ अंदर करो, ठीक है। नाउ दिस इज
एक क्रोमोसोम है जीवन का, किसका बेटा? जीवन का। मैं एक क्रोमोसोम हूं किसका? जीवन का। अब बताओ कौन सा फेस? एस। कौन सा फेस? एस। एन? एन पूरा? एन और एन पक्का? तो बताओ कौन कौन हो गया? टू एन सी सी टू सी 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 टू सी पक्का? बताओ ये क्या हुआ? टू एन फोर सी प्रोफेज आया। yes, बताओ ये दोनों सिस्टर की नॉन सिस्टर? Sister. ये दोनों Sister. ये दोनों Sister. ये दोनों Sister. और ये दोनों? व्हाट इज गोइंग ऑन? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है? yes, मेरा जेनेटिक मटेरियल इस पे गया? yes, इसका मेरे पास आया? yes, अब बताओ दोनों अलग हो गए? yes, दोनों अलग होने के बाद आया प्रोफेज खत्म। अब कौन आया? मेटाफेज। मेटाफेज आया, मुझे पकड़ा गया, इनको पकड़ा गया, खींच लिया गया। बताइए क्या अलग हुआ? क्या अलग हुआ बताओ? मियोसिस फर्स्ट की मियोसिस सेकंड? मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से दो सेल बनी? पहले दोनों साथ रहते थे, आज अलग अलग। यस और नो? आज मैं एन, ये भी एन, पहले क्या थे? टू ईयर। आज क्या हुए? एन। मियोसिस वन खत्म। yes, अब क्या आई? मियोसिस टू। रस्सी ने मुझे खींचा? yes, रस्सी ने उसे भी खींचा। yes, मैं बीस से टूटा? टूटा। yes, अलग गया, आधा एक हाथ एक पैर का क्रोमोसोम हुआ। यस और नो? ऐसे मेरे साथ कितने बने? दो। इनके साथ दो। बताओ कितने? चार। चार गैमेट बने? yes, इन्हीं चार गैमेट का बन जाना इट इज मियोसिस फर्स्ट की मियोसिस सेकंड। मियोसिस अंतर बताओ? टू एन टू सी। बताइए एन एन सी। और जो लोग ये मिस कर गए वो पागल हैं, बोलो। तो बताओ मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में कौन लोग आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं? सिस्टर की नॉन सिस्टर, होमोलॉगस की नॉन होमोलॉगस। हाँ, होमोलॉग। पहला पहले के साथ, दूसरा तीसरा, बाईसवा पच्चीसवा, पच्चीसवा, टोटल कितने हैं? 23। तो क्रॉसिंग ओवर कितनी जगह बन सकती? मिनिमम कितनी जगह? 23। और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है? यस। और ये जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है इसी का नाम है क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से सुनो बेटा, ये है क्रोमोसोमल मूवमेंट जो आपकी बुक में दिए गए हैं बाय द डायग्राम। कौन सा फेज कब आएगा वो देखना चाहिए आपको। जीवन में क्या थे? टू एन टू सी। टू एन एस में? जी टू में? मियोसिस फर्स्ट में? एन और टू सी। और मियोसिस सेकंड में? एन और सी। तो बताओ क्रोमोसोम का नंबर भी आधा, अमाउंट भी आधा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मैं वापस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लौटता हूं। देखिए मैं चाहे कितना भी कह दूं कि तुम्हें आ गया, जब तक तुम इसे मोहर नहीं लगाओगे तब तक मैं मानता नहीं हूं। पहले मैं वो कर रहा हूं जो मैंने पिछले दिनों किया है और मैं वो बेवकूफी दोबारा कर रहा हूं। मेरी इस बेवकूफी में मेरा साथ दीजिए। देंगे आप? दीजिए। चलिए, एक बंदा था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कुछ याद आ रहा? yes, नहीं याद आ रहा। और एक क्या था? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या ये पेरेंट था? yes, ये पेरेंट था। yes, जरा इसके फिनोटाइप को बोलो। राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। बड़ी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, करते रहो। ये बोलो क्या? राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। मैंने कहा था जो ऐसे देखेगा 400% जाएगा। जाएगा? बताओ इनको दोनों अलग अलग देखोगे? कैपिटल आर के सामने कैपिटल आर है, और बताओ कैपिटल वाई के सामने कैपिटल वाई। क्या ये एक सेल है? एक पेरेंट है? लेट्स सपोज इज अ मेल। क्या बेटा? चलो फीमेल बनाए। बताओ स्मॉल आर के सामने स्मॉल आर और स्मॉल वाई के सामने स्मॉल। बताइए ये क्या है? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। मेल की फीमेल? पता नहीं सर। ये क्या है? ये क्या है? पक्का बताओ। होमो जाएगा इसके हेट हो जाएगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद है? इफ पेरेंट इज होमो जाएगा ऑल गैमेट्स आर सेम।
तो बताओ इस दोनों का पेयर अलग होगा? गैमिट बनेगा? क्या बनेगा? कैपिटल आर दूसरी तरफ, और इधर कैपिटल वाई दूसरी तरफ, तो ऑल गैमिट विल बी सेम। पक्का? चला इसका गैमिट बना पाओगे? बोलो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऑल गैमिट विल बी सेम। F1 आएगा? बताओ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यस और नो? F1 की F2? हाँ F1। ये बोलो, ये इसको बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। होम हो जाएगा, इसके हेट हो जाएगा। बहुत मदद कर रहे हैं आप। अब बताइए मियोसिस करेगा ये? मियोसिस करेगा, गैमिट बनाएगा? इन दोनों के पैर अलग होंगे? इनका अलग होगा? कर पाओगे? पता नहीं, मुझे लग रहा कर पाओगे, कर पाओगे? चलो करो, बोलो। ये दोनों अलग हुए तो कैपिटल आर तो इधर गया, गया स्मॉल आर, ये दोनों अलग हो गए। अगर इधर कैपिटल आर आया उधर स्मॉल आर गया, तो अगर इधर आ गया कैपिटल वाई, क्या ये स्मॉल वाई होगा? पर क्या ये हमेशा होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। तो यू भी होगा कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, तो इधर क्या होगा? कैपिटल वाई आएगा। अच्छा बताओ पेरेंटल गैमिट क्या है? दूसरा पेरेंटल, तो बताओ कैपिटल आर वाई कैपिटल वाई होना पेरेंटल, स्मॉल आर स्मॉल वाई ना पेरेंटल, ये वाला डिटरमिनेंट, ये वाला 1/4 1/4 1/4 1/4 पेरेंटल कितना? 1/4 प्लस 1/4 कितना? 25। और रिकॉम्बिनेंट कितना? सॉरी 50, बताओ कितना? 50। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, क्या हो? फिर से बोलो, तो बताइए पेरेंटल गैमिट कितने? पता ही नहीं है, मैंने पहले बोल दिया था, मैं बेवकूफी कर रहा हूं, मेरे साथ करो। पेरेंटल कितना? 100 हो गए। और रिकॉम्बिनेंट कितना? 50 से। अगर मैं कैपिटल आर कैपिटल वाई की जगह कैपिटल ए और कैपिटल बी लेके चलूं चलेगा? चलो अब बताओ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, बताओ ये पेरेंटल है? बताइए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी ये भी पेरेंटल है? F1 याद रहेगा? बोलो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बताइए क्या है? F1। और क्या ये दिखाई पड़ रहा है? बताओ क्या दिखाई पड़ रहा? कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कोई दिक्कत है? बताओ इसके गैमिट बना पाओगे? बनाओ, हाँ बताओ कैपिटल ए के सामने कैपिटल बी, और बताओ स्मॉल ए के सामने स्मॉल बी। अब मैंने आर और वाई से मुक्त कर दिया, कोई भी दो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं, बताइए ये बोलो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, और ये वाला स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। अब प्लीज बताइए ये दोनों
अब बताओ इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है, यस और नो? तो बताओ रिकॉम्बिनेशन बन सकते हैं? यस सर। तो तब रिकॉम्बिनेशन बनने का कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। क्या होगा? क्रॉसिंग। तो यानी लिंकेज में भी क्या क्या बन सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट। फिर से बोलो। और उसका कारण इंडिपेंडेंट सॉर्ट के क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। और क्या यही क्रॉसिंग ओवर आपको रिकॉम्बिनेशन देगा? तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन का कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग। तो अगर इस दुनिया में परफेक्ट लिंकेज होता क्या, और मियोसिस से गैमिट ना बनते क्या, तो क्रॉसिंग ओवर, तो जो जीन लिंक होती वो हमेशा साथ आती, और वो हमेशा कैसे कॉम्बिनेशन शो करती, पेरेंट रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट आना दो वजह से पॉसिबल है, या तो वो जीन अलग अलग क्रोमोसोम में हो, और या तो अगर सेम में है तो क्या हो? नहीं आया? आया? अभी तक मैंने एनसीईआरटी छुई तक नहीं है, और इसमें आप मजाक कर रहे थे। अभी मेरा क्वेश्चन का जवाब पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, और अगर संभाल ले गए तो ठीक, नहीं तो तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर फिर से मुझसे मिलोगे कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने क्रॉस लिंकेज क्या समझा, तुम अपनी लैंग्वेज बताओ। व्हाट इज लिंकेज? व्हेन टू और मोर देन टू जी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दे आर लिंक टू ईच अदर एंड देयर लिंक इज नोन एज लिंकेज। और जब भी लिंकेज होगा तो उनके असॉर्ट होने की टेंडेंसी इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट होगी तो बताओ क्या बढ़ने लगेंगे? पेरेंटल। और क्या होगा बताओ? रिकॉम्बिनेंट बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। अब मेरे इस क्वेश्चन का जवाब जितने लोग दे पा रहे हैं वो बता देंगे, नहीं दे पाएंगे मैं दोबारा इसे पढ़ाऊंगा। जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, ध्यान सुनना, जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो हमें पढ़ाया गया था 50% होगा पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट। और अगर 100% पेरेंटल हो जाए और 0% रिकॉम्बिनेंट हो जाए, दिस लिंकेज इज परफेक्ट। हर दुनिया का लिंकेज परफेक्ट होना चाहिए, पर बेटा लिंकेज परफेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गैमिट माइटोसिस से कि मियोसिस, मियोसिस से, और मियोसिस से गैमिट बनने की वजह से होने क्या लगता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% से ज्यादा होने लगते हैं, यस और नो? और रिकॉम्बिनेंट 50% से कम होने लगते हैं। तो अगर कहीं पर भी तुम्हें पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ने लगे और रिकॉम्बिनेंट कम होने लगे, तुम जान जाओ ये क्या है, लिंकेज। तो अगर कभी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट किससे कम होने लगे, पता नहीं किससे, 50% से, कुछ आ ही नहीं रहा। अगर किससे कम होने लगे बताओ? अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो क्या होता? 50% और 50%। लेकिन अगर 100% लिंकेज होता तो 100% पेरेंटल, 0% लिंकेज। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लिंकेज परफेक्ट ही था लेकिन उसमें रिकॉम्बिनेशन का कारण क्रॉसिंग ओवर। फिर से बोलो। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से लिंकेज परफेक्ट और नहीं हो पाने की वजह से क्रॉसिंग ओवर इन जीन को अलग कर रही है। लेकिन जीन जब ये अलग कर रही है तो बताइए रिकॉम्बिनेशन 50% बन रहा है कि कम? तो अगर कहीं पर भी तुम्हें पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50 से ज्यादा मिलने लगे और रिकॉम्बिनेंट 50 से कम मिलने लगे, ये किस बात को शो करता है? सर लोग पूछते हैं कि वाई सर 50% 50% क्यों नहीं मिलते? तो मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, जिस समय क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर तो हर बार ही होगी, भाइयों बहनों ध्यान सुनो, क्रॉसिंग ओवर तो क्रोमोसोम में हर मियोसिस में होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर का जो ब्रिज है वो दोनों जीन के बीच से हर बार गुजरे। मान लीजिए दोनों जीन बहुत पास पास हैं, ये रहा ए और ये रहा बी, तो बताइए ये ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई, लेकिन बताओ क्रॉस ओवर ब्रिज इनके बीच से गुजरा कि नहीं गुजरा? नहीं गुजरा। गुजरा नहीं। तो क्रॉसिंग ओवर हुई लेकिन ये अलग अलग नहीं।
इसका मतलब ये सक्सेसफुल हुआ कि अनसक्सेसफुल? अनसक्सेसफुल, यानी ये क्रॉसिंग ओवर तो हुई लेकिन रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। तो जितने पास होंगे जीन, क्रॉसिंग ओवर ब्रिज गुजरने के चांसेस उतने कम। नहीं आया? और मान लीजिए कोई क्रोमोसोम ऐसा है कि उसमें एक जीन एक एंड पर है, दूसरा जीन दूसरे एंड पर है। आप बताओ ऐसा हुआ तो ए के सामने क्या आएगा? स्मॉल ए, और इसके बाद क्या आएगा? स्मॉल बी। अब बताओ ब्रिज यहां से क्रॉस हो, अलग हो जाएंगे? यहां से पास हो, अलग हो जाएंगे? यहां से पास हो, अलग हो जाएंगे? ब्रिज कहीं से भी पास हो, इनके अलग होने के चांसेस? तो बताओ जितना ज्यादा दूर है, बताइए क्रॉस ओवर उनके बीच से पास होने के चांसेस उतने ज्यादा? उतने कम के उतने ज्यादा? तो बताओ रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस उतने ज्यादा? तो बताइए जब रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम है तो वो दोनों पास पास है कि दूर दूर? हाँ, और जब रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज्यादा है तो दूर दूर। क्या ये लिंकेज है? क्या ये भी लिंकेज है? बोथ आर द लिंकेज, लेकिन इसमें रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम की ज्यादा? और इसमें, इसलिए इस लिंकेज को बोलेंगे टाइट लिंकेज। फिर से बोलो, और इसको बोलेंगे लूज लिंकेज। कई बार लोग बोलते हैं लूज लिंकेज, लिंकेज नहीं होता। लिंकेज की एक ही डेफिनेशन है, अगर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो तो तुम लिंक हो, और लिंक होना मतलब लिंकेज होना। पर लिंकेज कितने प्रकार का? दो, एक कौन टाइट और एक कौन लूज। और टाइट और लूज होने की परिभाषा गुजरती है रिकॉम्बिनेंट से। किसे? अगर रिकॉम्बिनेंट बार बार ज्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर उनके बीच से गुजर रही है, और अगर क्रॉसिंग ओवर उनके बीच से गुजर रही है तो हाँ। और अगर बेटा बहुत पास पास है तो क्रॉसिंग ओवर तो हो रही है लेकिन उनके बीच से गुजर, इसका मतलब वो सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल? अनसक्सेसफुल। और इसका मतलब है वो लूज है कि टाइट। तो बताओ जितना ज्यादा दूर रिकॉम्बिनेंट बनने के उतने चांस ज्यादा, कम की ज्यादा? अच्छा, मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आपको बताई, जरा इस कंडीशन को सॉल्व करिए, अगर सॉल्व कर गए तो काम बन जाएगा। मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताई जिसमें दोनों जीन इतनी दूर है, इतनी दूर है कि टर्मिनल एंड पर है, एक ए है और एक बी है। दूसरी जीन स्मॉल ए है और स्मॉल बी है। तो मैं बोल रहा हूं अगर यहां 100 बार क्रॉसिंग ओवर हो, कितनी बार? 100 बार। तो ये 100 बार अलग हो जाए, कितनी बार? 100 बार। तो हर बार ये अलग हो जाए। देखिए इस कंडीशन में भी ये अलग हो जाएंगे, यस और नो? सर जी इस कंडीशन में भी ये अलग हो जाएंगे, यस और नो? सर इस कंडीशन में भी ये अलग हो जाएंगे, यस और नो? इसका मतलब 100 बार क्रॉसिंग ओवर पर 100 बार सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर होने पर बताइए ये दोनों जीन, ये दोनों जीन बताइए कैसे बिहेव करेंगे? नहीं सुना ना? जमाई आ गई ना? मैंने बोला कि अगर मैं 100 बार इनमें क्रॉसिंग ओवर कराऊं तो ये 100 बार अलग हो जाएं। इसका मतलब ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सेम क्रोमोसोम है कि अलग? 100 बार जीन अलग हो रहा है, यानी हर बार जीन अलग हो रहा है, लेकिन क्या ये 100 बार अलग होने पर अलग अलग क्रोमोसोम में है? नहीं। क्या ये सेम क्रोमोसोम में है? यस सर। तो यानी 100% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ये कैसे बिहेव करेगा? बोलो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पिटा असॉर्टमेंट में कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन? 50। तो अगर मैं बोलूं 100% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर है, 100% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर है, तो रिकॉम्बिनेंस कितने परसेंट? 50%। फिर से बोलो, इसका मतलब हर 2% क्रॉसिंग ओवर, जो 2% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर है वो कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन पैदा करती है? यस और नो? तो हर 2% का सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर 1% रिकॉम्बिनेशन पैदा करता है। देखो कितने कम लोगों ने सुना मेरी बात, और क्लास को मैं यही सही मान के चला जाऊं ना बात, तो 50% लोग बीमार मिलेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया। व्हाट इज लिंकेज? पता नहीं सर। व्हाट इज लिंकेज? When two or more than two genes present on same chromosome, their segregation
depend upon each other and this dependency is known as linkage or it opposes the independent assortment. बताइए तीसरा लॉ याद है? Yes, sir. क्या नाम था? इनडिपेंडेंट assortment. ये पूरी तरह सही है कि नहीं है? ये पूरी तरह सही? क्या इसका कोई विरोध करता है? कौन? लिंकेज. और लिंकेज कहता है कि जैसे हर क्रोमोसोम में एक जीन हो ये पॉसिबल नहीं है. तो क्या एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन हो सकती हैं? अगर एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन हो गए तो वो आपस में लिंक होंगी. और लिंक होना ही क्या है? लिंकेज. और जब लिंकेज होगा तो उनका असॉर्टमेंट बेटा अलग इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. तो बताओ कौन से कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे? पेरेंटल. कौन से बढ़ेंगे? पेरेंट. और कौन से कम होंगे? रिकॉम्बिनेंट. अगर परफेक्ट लिंकेज हो तो बताओ पेरेंटल 100%. जवाब ही नहीं. मैं इसको जवाब नहीं मानता कि 10 लोग बोले और 20 लोग कहें कि पता नहीं क्या पढ़ा. ये लाइन खींची मैंने और यहां पर मैं सारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल लिख रहा हूं और उसके सामने वहां लिंकेज लिख रहा हूं. मेरी मदद करिएगा. जब तक आए नहीं हां मत करिएगा. चलो यहां से चालू कर रहे हैं, F1 से चालू कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है और फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगी तो मैं समझा भी नहीं पाऊं. हाँ भाई F1 याद करो. कैपिटल A के सामने स्मॉल A, कैपिटल B के सामने स्मॉल. सेम क्रोमोसोम की डिफरेंट? पता नहीं. ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम सेम है कि अलग अलग? अब इसमें भी मर रहे हो. सेम है कि अलग अलग? ये होमोलॉगस है? ये होमोलॉगस है? ये दोनों हेट्रोलॉगस. होमोलॉगस की नॉन होमोलॉगस? तो ये क्रोमोसोम पेयर होमोलॉगस, ये होमोलॉगस और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉन होमोलॉगस. तो बताओ दो जीन एक होमोलॉगस में कि अलग अलग? अब बताओ कैपिटल ए जिस समय मियोसिस कर रहा होगा, पता नहीं मियोसिस करना आया कि नहीं, ये दोनों साथ रहेंगे कि अलग अलग? और मियोसिस में ये भी भूल गए, पेयर कि अनपेयर? और ये वाला भी? तो कैपिटल ए पेयर हुआ कि अनपेयर हुआ? अनपेयर. तो उधर की तरफ वाला क्या पेयर हुआ? स्मॉल ए. अगर इस पेयर में कैपिटल ए आया तो इसमें से क्या आ सकता है? कैपिटल बी. अगर कैपिटल बी आया तो इधर हर हाल में स्मॉल बी जाएगा. अब बताओ क्या कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ हमेशा आएगा? ऐसा जरूरी नहीं. क्या कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आ सकता है? अगर ऐसा हुआ तो कैपिटल ए किसके साथ आएगा? स्मॉल बी. और अगर स्मॉल बी कैपिटल ए के साथ आ गया तो कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ चला जाए, स्मॉल ए के साथ चला जाएगा. बताइए ये होना पेरेंटल है कि रिकॉम्बिनेंट? ये वाला पेरेंटल, ये वाला रिकॉम्बिनेंट, ये वाला. हर एक की प्रोबेबिलिटी 25 है तो 25 25 50% 25 25 50%. तो बताओ रिकॉम्बिनेंट कितने और पेरेंटल कितने? जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो 50% गैमेट कैसे होंगे? पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट. और ये होंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. लिख रहा हूं कैपिटल ए कैपिटल बी होना पेरेंटल की बेटा नॉन पेरेंटल? कैपिटल ए स्मॉल बी नॉन पेरेंटल, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी. बताइए ये बेटा पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट? ये वाला, ये वाला 25% ये हुआ, 20 ये हुआ, 20 25 ये हुआ, ये कितना हुआ? 50%. और ये वाला 50%. तो दोनों बेटा पेरेंटल कितने परसेंट? 50%. और दोनों रिकॉम्बिनेंट कितने? 50%. कब? तो एक बेटा हमें नोटिफिकेशन दो कि जब क्या होगा. तो 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट. यहां पर किसी को कोई समस्या है? नहीं है. फिर मैंने कहा कि कभी कभी यू होगा कि बेटा दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम में मिल जाएंगे
अगर दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम में मिल गए तो अंतर कहां आएगा? कैपिटल ए के सामने नो डाउट अभी भी स्मॉल ए है, और कैपिटल बी के सामने नो डाउट अभी भी स्मॉल बी है, लेकिन सर जहां पर भी कैप ये वाला क्रोमोसोम जाएगा वो क्रोमोसोम अपने साथ कैपिटल ए और कैपिटल बी को साथ लेके जाएगा। ये दोनों साथ साथ जाने लगेंगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि ये एक क्रोमोसोम में आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, और लिंक होना इज लिंकेज, और अगर ऐसा हुआ तो दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाने लगेगा। अब बताओ कैपिटल ए जब भी टूटेगा किसके साथ जाएगा? कैपिटल बी, और स्मॉल ए जब भी टूटेगा स्मॉल बी के साथ जाएगा। बताओ कैपिटल ए और बी होना क्या होता है? पेरेंटल, और स्मॉल ए और स्मॉल बी होना भी क्या होता है? पेरेंटल। तो 50% ये 50% ए, टोटल 100% पेरेंटल बनने चाहिए। मेरी मैं तो सोचता हूं पेरेंटल कैसे होने चाहिए 100%, लेकिन इसके बावजूद इनमें क्या आ जाता है? रिकॉम्बिनेंट। उसका कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की क्रॉसिंग ओवर। मान लीजिए ये जीन ए है और ये जीन बी है, और ये इसके सामने स्मॉल ए है और इसके सामने स्मॉल बी है। अब ये दोनों क्रॉस ओवर हुए। क्रॉस ओवर होने पर कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में ब्रिज गुजर गया, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी के बीच में ब्रिज गुजर गया, और इस ब्रिज ने कुछ क्रोमोसोम को कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी दे दिया, और स्मॉल ए के साथ क्या दे दिया? कैपिटल बी। लेकिन ये हर बार ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हर बार हो, और ये हर बार अलग हो जरूरी नहीं है। मान लीजिए कैपिटल ए और कैपिटल बी यहां पर है, उसी के सामने स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हुई फिर भी ये अलग हुए कि नहीं हुए? और क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी ये अलग नहीं हुए तो बताओ क्रॉसिंग ओवर हुई लेकिन इनका रिकॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना? नहीं। तो हर क्रॉसिंग ओवर में ये दोनों अलग ही होंगे? होंगे। तो हर बार जरूरी नहीं अलग होंगे, तो बताओ इनका रिकॉम्बिनेंट बनना हर बार होगा कि नहीं होगा? अगर हर बार नहीं होगा तो 100 बार में 100 बार रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस हो तो बताओ टोटल रिकॉम्बिनेशन कितना आता है? 50%। वो कब होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब 100 बार से तुम कम बार में बन रहे हो तो 50% होगा कि उससे कम होगा? सर ये बात नहीं आई, फिर से बताओ। अगर हर बार जीन अलग होने की टेंडेंसी रखे वो केवल तब पॉसिबल है जब वो दोनों सेम में हो कि अलग अलग, यानी 100 गैमेट बने तो 100 बार अलग होने की टेंडेंसी रखे, तब बेटा उसमें क्या हो रहा? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कितने रिकॉम्बिनेंट? 50। और अगर हर बार ये अलग होने की टेंडेंसी नहीं रख रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें क्या है? लिंकेज। तो जब हर बार अलग होने की टेंडेंसी रखता है तो कितने रिकॉम्बिनेंट देता है? 50%। तो हर बार ना होने की टेंडेंसी रखेगा तो 50% से ज्यादा भी कम। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर कितनी भी हो जाए रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा बढ़? यस और नो? इसका मतलब है कि जैसे ही लिंकेज होगा पेरेंटल बढ़ने लगेंगे। क्या बढ़ने लगे? किससे ज्यादा होने लगेंगे? 50% से ज्यादा। और जैसे ही बेटा लिंकेज होगा रिकॉम्बिनेंट घटने लगेंगे। किससे कम? 50% से कम। और 50% से कम घटने क्यों लगे? क्योंकि हर बार इनका अलग होना जरूरी नहीं है। क्या हर बार क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी? होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो ब्रिज इनके बीच से गुजरे। यस और नो? यस और नो? अब बताओ इसमें एक बात और हो सकती है कि सर क्या? वो बात ये हो सकती है कि जीन इतनी दूर हो कि एकदम टर्मिनल पॉइंट पे हो, ये रहा ए ये रहा बी, और अब दूसरा जीन भी इतनी दूर हो स्मॉल ए स्मॉल बी बिल्कुल आमने सामने लोकस होते हैं। अब बताओ इनमें क्रॉस ब्रिज तुम चाहे कहीं भी बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, क्योंकि ये टर्मिनल एंड पर है। एक ए रहा, एक बी रहा, स्मॉल ए रहा, स्मॉल बी रहा, तो हर बार क्रॉस ब्रिज इनके बीच से गुजरेगा। यस और नो? इसका मतलब अगर जीन बहुत दूर दूर है तो क्रॉसिंग ओवर 100 बार होगी और 100 बार इन्हें अलग कर देगी। इसका मतलब 100 बार हो क्रॉसिंग ओवर और 100 बार इन्हें अलग कर दे तो इनके टूटने की टेंडेंसी हर बार है।
और हर बार टूटने की टेंडेंसी केवल कहां होती थी, इंडिपेंडेंट। और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता था तो कितना रिकॉम्बिनेशन था, 50। और अगर ये जीन इतनी दूरी पर है कि 100% क्रॉसिंग ओवर इन्हें सक्सेसफुली, 100% क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल हो रही है। व्हाट इज सक्सेसफुल, इसका मतलब है हर बार क्रॉसिंग ओवर में साथ रह रहे कि अलग हो रहे हैं। तो बताओ ये लिंक होने के बावजूद भी बिहेव कैसा कर रहे हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, क्या ये बिहेव कर रहे हैं? और अगर कोई इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा तो कितना रिकॉम्बिनेशन देगा, 50। इसका मतलब 100% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर विल गिव यू 50% रिकॉम्बिनेशन। क्या देगा? इसका मतलब है आपको 50% रिकॉम्बिनेशन के लिए 100% क्रॉसिंग ओवर को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। इसलिए 1% रिकॉम्बिनेशन के लिए 2% क्रॉसिंग ओवर जरूरी है, यस और नो। और इससे ये भी प्रूफ होता है कि जीन जितने दूर उनसे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज बीच से गुजरने के चांसेस उतना ज्यादा, और जीन जितने पास उनसे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज गुजरना उतना कम। तो मान लो अगर जीन बहुत पास पास है, तो बताइए यहां पर अगर जीन है बहुत पास पास है तो अब बताइए ये क्रॉस ओवर ब्रिज इन्हें अलग कर पाया कि नहीं। तो बताओ क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी ये अलग हो पाए कि नहीं हो। तो ऐसे जीन जो बहुत पास है उन्हें बोलेंगे टाइटली लिंक। बोलो क्या? टाइटली लिंक। और अगर जीन बहुत दूर है तो बताइए इनसे क्रॉसिंग ओवर चांस निकलने के चांसेस कम की ज्यादा? ज्यादा। तो अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बन रहा है इसका मतलब वो पास है कि दूर है? पता नहीं। और अगर रिकॉम्बिनेशन कम बन रहा है तो पास है। तो ऐसी कंडीशन में टाइट लिंक की लूज लिंक, तो लिंकेज भी कितने प्रकार का? दो। एक कौन? टाइट। दूसरा लूज। पास पास, दूर दूर। बताओ रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज्यादा है तो, और रिकॉम्बिनेशन बनने के कम है तो टाइट, यस और नो। अगर मैक्सिमम लूज हुआ तो कितना होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा हुआ तो 50% से ज्यादा लिंकेज सो नहीं। इसलिए अगर कहीं लिंकेज है, फिर से सुन लो, अगर कहीं तो रिकॉम्बिनेशन 50 से कम होगा और पेरेंटल 50 से ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन में कभी भी आ जाए पेरेंटल 55% है, समझ जाओ यहाँ लिंकेज। कहीं आ जाए कि रिकॉम्बिनेंट 37.2 है, लिंकेज। रिकॉम्बिनेंट 1.3 है, लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन 40% है, लिंकेज। क्योंकि लिंकेज होने पर ही रिकॉम्बिनेशन 50% से कम होगा। अभी भी नहीं है मेरे हिसाब से तो लिंकेज जब होना चाहिए तब तो बिल्कुल पेरेंटल ही आना चाहिए। पर बताओ पेरेंटल होने के बावजूद भी उनमें रिकॉम्बिनेशन क्यों आया? तो बताओ अगर इस दुनिया में क्रॉसिंग ओवर ना होती तो दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में पाई जाने वाली जीन ही केवल इंडिपेंडेंट सॉर्ट होती। एक क्रोमोसोम में पाई जाने वाली जीन कभी भी इंडिपेंडेंट सॉर्ट। तो बताओ वो जीन क्या कहलाती? लिंक जीन। और वो लिंकेज होता परफेक्ट या इम्परफेक्ट? परफेक्ट। और तब जहां कैपिटल ए जाता वहीं कैपिटल बी जाता। नहीं आया? जानते हो अभी तुम यहां से निकलोगे तुम्हें बोला जाएगा लूज लिंकेज का मतलब होता है उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। चाहे टाइट हो चाहे लूज हो इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं है। चाहे मैक्सिमम लूज क्यों ना हो 50% रिकॉम्बिनेशन क्यों ना आ रहा हो फिर भी अगर जीन एक ही क्रोमोसोम में है तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं। तो फिर भी रिकॉम्बिनेशन क्यों आए? किसकी वजह से? क्रॉसिंग। अभी भी नहीं आया? हाँ खड़े हो अब पूछो। तो बेटा रिकॉम्बिनेशन कोई बनने के एक कारण नहीं होते, उनमें से एक कारण क्रॉसिंग ओवर है। तो वेरिएशन इन लिंक जीन हैपन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन अधूरा है आपका। आपने बोला वेरिएशन किस वजह से आता है? वेरिएशन होने के एक कारण नहीं है, रैंडम फ्यूजन एक कारण।
ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा कारण, क्रॉसिंग ओवर तीसरा कारण, म्यूटेशन चौथा कारण, नेचुरल सिलेक्शन पांचवा कारण, जेनेटिक ड्रिफ्ट छठा कारण. सर देयर आर मेनी सो मेनी कारण फॉर द वेरिएशन. वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन इज क्रॉसिंग. सो आप क्वेश्चन सही करो तो जवाब सही मिलेगा. ठीक है, आधे अधूरे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते. जब तुम इस लेवल तक घुस चुके हो तो तुम पूछो कि सर अगर लिंकेज है, क्या है, और फिर भी उनमें वेरिएशन आ रहे हैं, उसका कारण क्रॉसिंग. कुछ और पुराना पड़ा हुआ आ रहा है, बाद में पूछोगे, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे पुराने लॉजिक टूट रहे होंगे. हैं, या तो सुनील सर गलत पढ़ा रहे हैं या तो उन्होंने गलत पढ़ाया होगा. और मैं कह रहा हूं कि भैया तुमको मेरे पढ़ाए हुए पॉइंट में जहां कोई दिक्कत है वो ये पूछो, व्हाई इट इज नोन एज लिंकेज, व्हाई इट इज नॉट नोन एज कल्लू, बिकॉज ही काला, तो उसका नाम लिंकेज का है, क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम में क्या है, लिंक. अब जहां ये जाएगा वहां साथ में जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज लिंकेज. तो एक क्रोमोसोम में पाए जाने वाली जितनी भी जीन है वो क्या कहलाएंगी, लिंक जीन. और हमारे पास ऐसे कितने क्रोमोसोम है, 23. तो हमारे पास कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, 23. हर क्रोमोसोम में एक ग्रुप, दूसरे क्रोमोसोम में दूसरा ग्रुप, तो हमारे पास कितने लिंकेज ग्रुप हो सकते, 23. अब ये भी नहीं समझ में आया, तो व्हाट इज लिंकेज बन सके, when two are more than two genes on same chromosome, they are known as linked gene, and they are this process is known as linkage, and this opposes the independent SR. लगभग सवा घंटा हो गया मैंने NCERT छुआ नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप NCERT समझो. अब मैं NCERT का लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं. अभी भी नहीं समझ में आया तो सोच लो कि सवा घंटे सर ने बर्बाद कर दिए. अब NCERT को सही से समझेंगे. नाउ द NCERT में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वहां खत्म होता है जहां पर सटन एंड बावेरी की थ्योरी खत्म होती है. क्यों लड़ाई कर रहे हो, अब हम लोग यही करते रहेंगे क्या? भैया हम दोनों तरफ से माफी मांगते हैं, अगर आपको कोई तकलीफ हो माफ कर दीजिए, और उसने आपको कोई गलती की तो माफ कर दो. हाँ तो बुला लो सर, में बैठा लो यहां. हाँ भाई, तुम लोग को कोई थ्योरी याद है सटन एंड बावेरी की? Yes, याद है? उन्होंने बोला था क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, फैक्टर पेयर में होते हैं, दोनों अलग होते हैं, और गैमीट बनाते वक्त दोनों अलग होते हैं, और जायगोट बनाते वक्त आपस में फिर से सही. फिर बेटा सटन एंड बावेरी ने गलती कर दी? गलती नहीं की, सही कहा. उन्होंने कहा फैक्टर प्रेजेंट अपॉन, और इसे वो प्रूफ, कौन प्रूफ किया, पीएच मॉर्गन याद है? Yes, इन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम. और इन्होंने इसके लिए कौन सा क्रोमोसोम लिया, एक्स. एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है? Yes, और इन्होंने बोला सेक्स क्रोमोसोम में बहुत सारे करेक्टर जाते हैं. Yes, एक करेक्टर तो मेल और फीमेल होना भी है. Yes, और बताओ एक्स एक्स होना इज मेल की फीमेल, फीमेल. और एक्स वाई होना इज मेल. बहुत बड़ी बहुत मदद कर रहे हो आप मेरी, इतना बता दे रहे हो, इससे इतनी भी उम्मीद नहीं थी. एक्स एक्स होना फीमेल, और एक्स वाई होना मेल. और ये ह्यूमन है कि ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला इज फ्रूट फ्लाई. तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई में बोला कि फ्रूट फ्लाई दो प्रकार की, एक्स एक्स है तो Female. और एक्स वाई है तो मेल. अब तीसरी बात सुनो, ये नहीं है, ये नई बात है, सुनो. उन्होंने कहा इसी एक्स क्रोमोसोम में बॉडी कलर का भी जीन होता है, बॉडी कलर. और इसी एक्स क्रोमोसोम में आई कलर का भी जीन होता है,
और इसी एक्स क्रोमोसोम में विंग्स के लिए भी जीन होता है कि विंग्स बड़े बनेंगे कि छोटे बनेंगे। तो बोले एक साथ तीन करेक्टर देखने की बजाय दो करेक्टर देख लो, और दो करेक्टर देखना इस मोनोहाइब्रिड की डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। उन्होंने कहा विंग्स वाला बाद में देखेंगे, चलो बॉडी कलर देख ले। बोले बॉडी कलर दो होते हैं, या तो वो फ्रूट फ्लाई येलो बॉडी होगी, कैसी होगी येलो, या तो उसकी बॉडी ब्राउन होगी। बोलो तो बताओ जो तुम्हारी बेटा वो मक्खी है, फ्रूट फ्लाई है, बताइए वो कितने कलर बॉडी रखती है, या तो येलो या तो ब्राउन। और उन्होंने आई कलर में बोला कि दो कलर का होता है, या तो आंखें सफेद होंगी, बताओ सफेद आंखें होंगी, और या तो आंखें रेड होंगी। तो आंखों में कितने कलर, या तो रेड या तो व्हाइट, और बॉडी का कलर येलो और ब्राउन। और इन्होंने भी मेंडल की तरह, मैंने पहले बोला था मेंडल के बाद आने वाला हर वैज्ञानिक किसे फॉलो करता है, मेंडल। कितने काम, पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, दूसरा क्रॉस ब्रीड टू प्रोड्यूस F1, सेल्फिंग टू प्रोड्यूस। पर मेंडल से थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या चालाकी की। उन्होंने कहा मैं येलो को वाई बोलूंगा, इन्होंने रेसेसिव के हिसाब से बेटा जीन एलील डिसाइड किया, और ब्राउन को वाई प्लस बोला, और वाई प्लस होना इज वाइल्ड, और वाइल्ड होना इज डोमिनेंट, वाइल्ड होना इज डोमिनेंट। तो बताओ दो कलर थे बॉडी के, येलो और ब्राउन, पर डोमिनेंट कौन सा था, ब्राउन। और दिखाने का तरीका क्या था, वाई प्लस, फिर से बोलो, और उन्होंने व्हाइट आई को लिया W, क्या लिया W, और बेटा रेड आई को लिया W+। अब कोई मुझसे पूछे सर इन्होंने तो बेटा आप गलत बदल दिया, तो बोलो बदल दिया, क्योंकि ये मेंडल, ये कौन है, मॉर्गन, और मॉर्गन ने अपना तरीका अपनाया, वो उनका तरीका। मेंडल होते तो इसे बोलते कैपिटल R, और इसे बोलते स्मॉल R, इसे बोलते कैपिटल B, और इसे बोलते स्मॉल B, बजाय इन्होंने रेसेसिव लेना चालू किया, इसे क्या लिया वाई, और इसे वाई प्लस होना इज डोमिनेंट, वाई होना इज रेसेसिव, और बताओ डब्लू प्लस होना इज डोमिनेंट एंड डब्लू होना इज रेसेसिव। तो बताओ वाइट इज अ रेसेसिव, रेड इज अ येलो इज अ रेसेसिव, और बेटा वाई प्लस इज अ ब्राउन। और इन्होंने देखा कि ये सारे करेक्टर एक्स क्रोमोसोम में है, किसमें, एक्स क्रोमोसोम। आप बताओ एक्स क्रोमोसोम के साथ सेक्स भी चल रहा है, तो बताओ एक्स और एक्स होना मेल की फीमेल, और एक्स और वाई होना मेल। अब मैं आपकी एनसीईआरटी के उस पूरे के पूरे क्रॉस को कराने जा रहा हूं, पर मुझे बोर्ड खाली चाहिए, ए बोर्ड खाली चाहिए, इतना बात सुनकर के लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी में पढ़ाने जा रहा हूं। मैं जो जो पूछू बताते जाओगे, साइंटिस्ट का नाम, इन्होंने बोला एक्स क्रोमोसोम से सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स होना इज फीमेल, एक्स वाई होना इज मेल, और बोला एक्स क्रोमोसोम में कुछ फैक्टर हैं, दो तीन फैक्टर, इनमें से दो तो बताए उन्होंने, एक कौन बॉडी कलर, दूसरा बॉडी कलर कितने प्रकार का, दो, एक कौन येलो और एक येलो और ब्राउन। अच्छा बताओ बॉडी कलर हो गया, अच्छा बताओ आप बताओ आई कलर, व्हाइट और रेड, इन्होंने एक मेल लिया और एक फीमेल ले। अब ध्यान से देखो एक मेल और एक फीमेल, अब बेटा पूरी 100% तुम्हारा यहीं पर ध्यान होना चाहिए। इन्होंने एक फीमेल ली, बिल्कुल मेंडल की तरह काम कर रहे, पेरेंट बना रहे, और पेरेंट इज ऑलवेज हाइब्रिड की प्योर भी। इन्होंने एक्स क्रोमोसोम लिया, ये रहा वो एक्स क्रोमोसोम, दिस वन इज द एक्स क्रोमोसोम, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक बार में ना समझ में आएगा, लेकिन अगर तुमने एक बार में समझ लिया तुम हीरो, इसलिए 200% यहां पर ध्यान लगाओगे तो एक बार में आ जाए। अब बोल रहे ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, अगर ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो मैं बोल सकता हूं कि ये फीमेल है, और उन्होंने जो फीमेल ली थी वो ली थी येलो बॉडी, बोलो एंड व्हाइट आई, बोलो येलो बॉडी और व्हाइट आई। तो देखो येलो बॉडी के लिए होता है वाई, और व्हाइट आई के लिए डब्लू,
तो अगर यहां पर भी येलो बॉडी ले लिया और व्हाइट आई ले लिया तो होमो जाएगा इसके हेटरो जाएगा होमो जाएगा और प्लांट सॉरी पेरेंट इज ऑलवेज होमो जाएगा भूल गए याद है। तो कभी अगर इन्हें अलग से लिखना पड़े तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू प्लस है कि नहीं है तो बताओ रेसेसिव की डोमिनेंस रेसेसिव तो उन्होंने फीमेल कैसी ली रेसेसिव अब सोना मत इसको क्रॉस किया उन्होंने मेल के साथ ऑब्वियस है ये मटर तो है नहीं कि किसी का भी पॉलन ग्रेन किसी की स्टिग्मा में डालो यहां तो मेल और फीमेल का डिफरेंस है इसलिए तुम्हें मेल और फीमेल की तरह ही लेना पड़ेगा और यहां पर मेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम की एक पता नहीं अरे मेल एक्स और हद हो यार एक एक्स और एक वाई तो मेल होना दो एक्स क्रोमोसोम दो की एक और बताओ वाई क्रोमोसोम में कोई जीन होगा कि नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम में ये जीन नहीं होते केवल किसमें होते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम में अगर ये जीन होते हैं तो उन्होंने बेटा मेल जो लिया ये एक्स और वाई है एक्स और एक्स नहीं है मेल जो लिया वो लिया रेड आई बोलो और ब्राउन बॉडी के लिए वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस ये मेल की फीमेल और ये फीमेल अब बताओ जो मैं पूछू बताओगे फीमेल कैसे ली पता नहीं बोलना पड़ेगा बोलो येलो बॉडी रेड आई अच्छा येलो बॉडी हमें तो लग रहा पहले सेकंड से तुम मर रहे हो तो आगे क्या आएगा येलो बॉडी और ये बोलो हाँ ब्राउन बॉडी ब्राउन बॉडी और रेड आई और बताइए यहां पर एक ही क्रोमोसोम में जीन क्यों है पता नहीं सर एक ही में क्यों है क्योंकि इसके पास कितने एक्स क्रोमोसोम एक और इसके पास दो तो फीमेल होना दो एक्स क्रोमोसोम और मेल होना एक एक्स क्रोमोसोम भाई साहब जवाब दो यहां पर दूसरे क्रोमोसोम में जीन क्यों नहीं क्योंकि वो क्या है वाई और वाई क्रोमोसोम में जीन जीन किसमें थे एक्स क्रोम और ये बताओ होमो जाएगा कि हेटरो जाएगा और ये होमो जाएगा नो दिस इज नॉट हेटरोजाइगस दैट इज हेमीजाइगस बोलो आधा पेयर आधा हेमी मतलब आधा हेमी शब्द यूज करते हैं जब केवल एक पेरेंट के पास जीन हो दूसरे पेरेंट के पास जीन ना हो ये बोलो और ये वाला हेमीजाइगस यस एनी क्वेश्चन आप बताओ अगर ये होमोजाइगस है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद होगा पता नहीं बताओ होमोजाइगस लोगों में ऑल गैमिट आर सेम तो बताओ इसका कोई भी गैमिट बनाओ एक ही जैसा बनेगा चलो बनाओ कैसा बनेगा सर जी सर यहां पर गैमिट बनेगा बताइए मैं बना दूं चलो बताओ ये क्या बनेगा वाई और ये डब्ल्यू और ये क्रोमोसोम एक्स है और ये ओवा है किस स्पर्म वाई ओवा फीमेल ने बनाया और स्पर्म कितने प्रकार के बनेंगे दो पता नहीं दो प्रकार के बनेंगे अच्छा बताओ स्पर्म में एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा क्या रखेगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और दूसरा एक्स क्रोमोसोम बनेगा कौन सा एक्स वाई क्रोमोसोम बनेगा बताइए बताइए ये स्पर्म की होगा और ये वाला ओवा इधर देखो हीरो अगर उतना ही समझदार होते तो तुम पहले समझ चुके होते इसलिए यहां देखो पहले यहीं पर अभी मैंने F1 नहीं बनाया पहले मैं F1 दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि F1 कितने प्रकार के बने पहले मुझे F1 दिखाओ इधर बुक में बाद में बताओ ओवा कितने एक प्रकार के वाई और स्पर्म कितने दो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ये कौन सा वाई यहां तक किसी को डाउट हो बोल दो आगे बहुत डाउट आएंगे मैं बता रहा हूं यहां पर कोई डाउट हो बोल दो नहीं है बताओ ये स्पर्म की होगा ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे ये फ्यूज होंगे और बताओ फ्यूज होने की क्या टेंडेंसी हो सकती है एक्स एक्स के साथ फ्यूज हो सकता है और एक्स वाई के साथ पर किसका एक्स फीमेल का
बताओ फीमेल कितने प्रकार से दो बच्चे पैदा कर सकती है? देखो एक यहां से और एक यहां से, चलो बनाओ। अब बेबी बना रहा हूं एफ वन जनरेशन के। एफ वन जनरेशन में अगर इधर से एक्स क्रोमोजोम आया तो वाई, और इधर से आया तो डब्लू, और इधर से एक्स क्रोमोजोम आया तो जायगोट बनाते वक्त क्या आया? वाई प्लस और डब्लू प्लस। बताइए एफ वन की एफ टू? हाँ सर जी, ये एफ वन है। बताइए एफ वन है? अब बताओ एफ वन में सारी फीमेल होंगी कि मेल भी? हितेन बाबू ध्यान से, ये वाला और ये वाला जाएगा तो एक्स और एक्स, और एक्स और एक्स होना इज मेल, और एक्स और वाई होना इज मेल। तो बताओ जो एक्स और वाई जा रहा है उस पर ध्यान दो। ये देखो क्या आ रहा, वाई डब्लू और ये वाई वाई क्रोमोजोम है। बताइए बताइए मुझे ये मेल की फीमेल? मेल। ये है एक्स वाई। चलो चालू कहां से किया था, फीमेल कैसी ली थी? क्या फर्क पड़ता है सर, नहीं बताएंगे, एक आदमी तो मर ही रहा है। बोलो कैसे लिया था? येलो बॉडी। मेल क्या लिया था? ब्राउन बॉडी। और बच्चे कितने प्रकार के बने? दो, कुछ फीमेल कुछ मेल। फीमेल कैसी ली थी? अब बताओ वाई प्लस क्या वाई पे डोमिनेंट होगा? यस सर। और डब्लू प्लस क्या डब्लू पे डोमिनेंट होगा? तो बताओ डोमिनेंट कलर कौन सा है? बॉडी ब्राउन और यहाँ रेड। तो मेल क्या आएंगे बता पाओगे? क्या पता नहीं, ब्राउन बॉडी आया और रेड आया। बताओ फीमेल ली कैसी थी? येलो बॉडी व्हाइट आई। और उसका बच्चा अगर फीमेल आया तो ब्राउन बॉडी रेड आई। होमोजाइगस की हेटरोजाइगस? हेटरोजाइगस। ये कैसी थी? होमोजाइगस। और दूसरा बच्चा लिया कैसा था? ब्राउन बॉडी रेड आई। मेल ब्राउन बॉडी रेड आई लिया था, पर अगर कोई मेल बच्चा हुआ येलो बॉडी, येलो बॉडी व्हाइट। बताओ यहां तक किसको नहीं आया? लाओ एनसीईआरटी का पेज नंबर 84 सारे लोग देखेंगे, और बाईं तरफ वाला लिखा हुआ पहला क्रॉस, और नीचे की चार लाइनें देखेंगे भी नहीं, ऊपर ऐसे हाथ लगा लेना है ऐसे, और साथ में इसको भी ढक लेना है, इसको भी ढकना है, केवल ये दोनों देखने, केवल ये दोनों ऊपर के देखने, बाकी ढक लेना नहीं तो मर जाओगे। बताओ ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है? पेरेंट लिखा है, और बीच में क्या लिखा है? F1। अभी मैं कहां तक पहुंचा हूं? F1। अब जरा पेरेंटल देखो क्या लिखा है, पेरेंटल येलो व्हाइट। मेल की फीमेल? हाँ फीमेल। ऊपर फीमेल साइन लगा है, और जरा मेल क्या बना है? बोलो वाई, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस मेल बना है। अब जरा F1 में आओ, F1 में आओ, केवल इतना डायग्राम देखना इस वन। F1 आओ, F1 आए? Yes, अब बताओ F1 में क्या आया? फीमेल कैसी आई? वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस आई कि नहीं आए? Yes, और मेल कैसे आए? वाई डब्ल्यू और वाई आया। Yes, यहां पर किसी को डाउट हो बता दो सर, ना पहले समझ में आया था ना आपकी बार समझने की कोशिश करेंगे। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आया कुछ? अब मैं नीचे की चार लाइनें पढ़ाने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग। पक्का? अब सुनो, F1 की सेल्फिंग कराते थे मेंडल। सेल्फिंग का मतलब होता है जैसा मेल वैसी फीमेल, पॉसिबल ही नहीं है, मटर नहीं है कि उसी का पॉलन गेन उसी के स्टिग्मा में डालो। इसलिए सेल्फिंग जैसा क्रॉस कराने करने के लिए आपको ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप में क्रॉस कराना पड़ेगा। ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं? Yes, इन्हीं को मैंने पूछा था, दीज आर सिबलिंग स्पीसीज। क्या सिबलिंग? अब इन दोनों को क्रॉस कराने जा रहा हूं, अगर इन दोनों को क्रॉस कराने जा रहा हूं तो इनके गैमीट बनना सीखना पड़ेगा। सारे लोगों से उम्मीद है कि सीख जाएंगे। फीमेल उठाओ, गैमीट बनाना है हमको। सारे लोग मुझे बताओ फीमेल क्या है, बता पाओगे? बताओ क्या है? हाँ अरे हमको जीनोटाइप बताओ। एक क्रोमोसोम में
और W दूसरे क्रोमोसोम में, Y प्लस W प्लस, यस और नो? और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पहला आधा घंटा बर्बाद किया था आज तुम उसे पूरा कर दोगे, और नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, गरीब आदमी। बताइए ये जीवन है, बोलो क्या है? जीवन। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड की दो ए, दो ए, और ये वाला ए, ए। बताओ सेल डिवीजन के पहले जीवन के बाद एस में जाओगे? नो yes, सर no, तो बताओ ये क्रोमोसोम अपना अमाउंट डबल करेगा? yes, sir. तो डबल करते वक्त देखो क्या करेगा, वाई डब्लू था, एक yes, क्रोमेटिड और बनाएगा, और उस क्रोमेटिड में वही बनाएगा जो ये है, बोलो क्या? वाई डब्लू। नहीं यार, ये चीजें एनसीईआरटी ने तुमसे छुपाई हैं, और जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं इसीलिए आधा घंटा पहले बर्बाद किया। ये जी टू फेज का क्रोमोसोम है, नंबर सेम, अमाउंट डबल। अब जरा दूसरा क्रोमोसोम देख, शायद कर पाओ, बोलो बोलो ये क्या होगा? वाई प्लस और डब्लू प्लस, और अगर डबल हुआ तो ये भी वाई प्लस डब्लू प्लस। नहीं आया। अब बेटा ये जाएगा प्रोफेज में, किसमें? प्रोफेज। और प्रोफेज में जाते वक्त इनमें होगी क्रॉसिंग ओवर, भूल गए बेटा? भूल गए कि याद है? याद है। और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो मुझे बताओगे क्या हुआ होगा? पहले मैं चारों लिख लूं तब बोलना, बोलो बोलो बेटा। यहां क्या है? यहां क्या है? यहां क्या है? वाई। यहां क्या है? डब्ल्यू। यहां क्या है? वाई प्लस। यहां क्या है? यहां क्या है? वाई प्लस। यहां क्या है? डब्ल्यू प्लस। क्रॉसिंग ओवर हुआ? यस और नो? और जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो बताओ क्रोमोसोम कैसे, ऐसे इनोसेंट लग रहे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने गंद मचा रखी है, कोई कुछ नहीं किया। बताओ, अब बताओ इसकी इस जगह क्या हुआ होगा? पता ही नहीं सर। वाई डब्ल्यू, यहां पर वाई डब्ल्यू प्लस, यहां पर वाई प्लस डब्ल्यू, यहां वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। पहले ये पेयर अलग होगा और फिर ये 20 से टूटेंगे? भूल गए, एक पेयर क्रोमोसोम से चार गैमीट, याद आया? और जो चार गैमीट बनेंगे वो क्या होंगे? यही लिख दें, बताओ क्या होंगे, तुम ही बताओ। एक क्रोमेटिड से आएगा वाई डब्ल्यू, दूसरे से वाई डब्ल्यू प्लस, दूसरे से Y प्लस डब्ल्यू, और चौथे से Y प्लस डब्ल्यू प्लस। और ये चारों स्पर्म है कि ओवा? क्योंकि ये मेल थी कि फीमेल? फीमेल। भूल गया कि क्या थे? अरे मेल थी कि फीमेल? ये देखो यहां से उठाया है, एक्स एक्स होना इज फीमेल। तो बताओ फीमेल में ये बनना पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट? पता नहीं। ये बनना ये वाला, और ये दोनों लिंक हैं, तो रिकॉम्बिनेंट बनने के टेंडेंसी ज्यादा कि कम? कम, क्योंकि लिंकेज होने पर रिकॉम्बिनेंट 50% से कम। नहीं आया। बहरहाल इतने गैमेट बन गए, वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ये कौन से गैमेट है, मेल के कि फीमेल के? फीमेल के। आप जरा मेल के गैमेट बनाइए, और मेल हमेशा से यही है, वाई क्रोमोसोम है, और साथ में इसके पास क्या था? भूल गए सर, वाई डब्ल्यू। भूल गए, देखो वाई डब्ल्यू, इसको वहां उठा के ले गए, और जब इसको वहां उठा के ले गए तो ये मेल है कि फीमेल? मेल। और बताओ इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्स और वाई के बीच में क्रॉसिंग ओवर, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट बनने के चांस? तो स्पर्म कितने प्रकार के बनेंगे? दो। एक कौन? एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म क्या आएगा? वाई डब्ल्यू। और दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला, और वाई वाले क्रोमोसोम में जीन है कि नहीं? नहीं है। अब ये है ओवा और ये है स्पर्म। अगर मेरे पास जगह होती तो मैं बोर्ड हटा करके पढ़ाता, लेकिन मुझे बोर्ड यही चाहिए तो मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं? यस और नो? क्योंकि ये पेरेंटल है, देखो फीमेल था ऐसा, मेल था ऐसा, क्रॉस करके F1, ये F1 था, फिर उठाया, नहीं आया। अच्छा बताओ फीमेल होमोजाइगस था? yes,
मेल हेमी जाएगा सर, हटा दें इसे। अगर हटा देंगे तो भी जगह मिलेगी मुझे इनके रिकॉम्बिनेशन बनाने की। आइए रिकॉम्बिनेशन बनाने के दिखाइए, बताओ ये स्पर्म क्यों हुआ? वो तो बताओ, चार ओवा दो स्पर्म से अलग अलग क्रॉसिफाई करेंगे तो पहले चार फीमेल बनेंगे, क्योंकि ये सब के सब एक्स, एक्स के साथ एक्स फीमेल और एक्स के साथ वाई मेल। आइए बनाइए, पहले बनाइए फीमेल और बाद में बनाइए मेल। बनाए नहीं बनाए? चलो पहले मेल बना लो, चलो पहले मेल बना लो, क्योंकि बुक ने पहले मेल बनाए, तो पहले मेल के साथ करो। पहला क्रोमोसोम है जिसमें एक्स सॉरी वाई है, और देखो वाई और डब्ल्यू, उसमें वाई क्रोमोसोम लेके आ गए। ये मेल है कि फीमेल है? मेल। अच्छा बताओ दूसरा क्रोमोसोम है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और उसमें भी बेटा मेल लेकर के आ गए। देखो ये एक मेल है, ये दूसरा मेल है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, याद रखना इसमें भी वाई क्रोमोसोम हो गया। ये एक मेल की दूसरा मेल, हमें नहीं लग रहा कि तुम्हें आना, ये करो। ये क्या लिखा? वाई डब्ल्यू। तुम जो करोगे वही करेंगे, सीधे सीधे लिखते हैं, नहीं तो तुम्हें नहीं आएगा। बताओ ये क्या है? वाई डब्ल्यू। ये ओवा के स्पर्म, ये स्पर्म के साथ मेट करने जा रहा है। स्पर्म कौन है? वाई। ये रहा वो वाई। बताइए मेल की फीमेल? Got it? चलो अब बताओ ये वाला, हाँ दूसरा बोलो। एक मेल ये बन गया, चलो दूसरा बनाना है। चलो वाई वाई डब्ल्यू प्लस सारे एक साथ लिख ले। तीसरा बोलो, पता नहीं वाई, अरे यार सॉरी वाई प्लस डब्ल्यू, और चौथा Y प्लस डब्ल्यू प्लस। अब मैं दूसरे कलर से Y बना ले रहा हूँ चारों। चलो Y बना ले रहा हूँ। ये Y क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है, और ये भी Y क्रोमोसोम है। यस बताओ मेल की फीमेल? मेल की फीमेल? मेल की फीमेल? बताओ ये पेरेंटल की बेटा, और ये वाला पेरेंटल, ये वाला रिकॉम्बिनेंट, ये वाला पेरेंटल कम की ज्यादा? पेरेंटल कम की ज्यादा, और रिकॉम्बिनेंट क्यों? और रिकॉम्बिनेंट 50% से कम, और ये अभी केवल कौन बने हैं? मेल। अभी भी नहीं आ रहा, अभी ये वाले सब इनके साथ फ्यूज करेंगे। बताओ फीमेल बनाओ, चलो बनाओ फीमेल, चलो बनाओ, चलो यही सेम चारों लिखते हैं। चलो चारों लिखो, पहला बोलो वाई डब्ल्यू, चलो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, क्या बोलो? वाई डब्ल्यू प्लस, और ये बोलो वाई प्लस डब्ल्यू। ये तुमने ओवा लिखे कि स्पर्म? ओवा। आइए इनमें स्पर्म लिखें, चलो स्पर्म लिखो। यहाँ पर क्या आया? वाई डब्ल्यू। यहाँ पर क्या आया? वाई डब्ल्यू। यस और नो? बताओ यहाँ पर क्या आया? वाई डब्ल्यू, और यहाँ पर भी क्या आया? वाई डब्ल्यू। अब बताओ ये रिकॉम्बिनेंट की बेटा लिंकेज, सॉरी रिकॉम्बिनेंट की पेरेंटल, और ये वाला पेरेंटल, ये वाला पेरेंटल, नहीं आया? ये मेल की फीमेल? और ये वाले बताओ मेल में ये पेरेंटल है, फीमेल में ये पेरेंटल है? मेल फीमेल, मेल में ये रिकॉम्बिनेंट है और फीमेल में रिकॉम्बिनेंट है? आओ ढूंढो इन्हें, ला बुक दे। चलो चारों मेल में ढूंढो। अब ये वाला देखना है, ऊपर वाले चार मेल नीचे वाले चार फीमेल। चलो मेल ढूंढ रहा हूं, चलो पहला मेल Y प्लस डब्ल्यू प्लस, ढूंढो Y प्लस डब्ल्यू प्लस विथ Y क्रोमोसोम, मिल गया? Yes, दूसरा फीमेल, दूसरा मेल Y प्लस डब्ल्यू, ये रहा Y प्लस डब्ल्यू, कहां गए भाई Y प्लस, सॉरी ये रहा Y प्लस डब्ल्यू प्लस एक मेल, Y प्लस डब्ल्यू दूसरा मेल, तीसरा मेल ढूंढो Y W, चौथा मेल Y W प्लस, चारों मेल मिल गए। अब चला फीमेल ढूंढो, हितेन बाबू आ रहा है, चला फीमेल ढूंढो चारों, उसके नीचे चारों फीमेल है। पहली फीमेल Y प्लस W प्लस अलोंग विथ Y W, मिल गया? दूसरी फीमेल
वाई प्लस डब्ल्यू अलॉन्ग विथ वाई प्लस, और तीसरी वाई डब्ल्यू प्लस अलॉन्ग विथ वाई डब्ल्यू, और चौथी वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। यस और नो? ये सारी मेल की फीमेल? हाँ फीमेल। ये सारे ये एफ वन है कि एफ टू? बताओ पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल सारे मिलाकर एक तरफ रख दो, ये वाले इनके सामने रख दो, रिकॉम्बिनेंट सारे एक रख दो, रिकॉम्बिनेंट इन दोनों को मिलाकर दिया गया है 1.3%। कितना परसेंट बताओ ये पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन से कम है कि ज्यादा? सॉरी रिकॉम्बिनेंट 1.3% 50% से कम है कि ज्यादा? इसका मतलब यहां क्या है? लिंकेज। कुछ नहीं आया, हटाओ। ऐसे मुंह देख लेते ना इनके, सड़े सड़े। अब एक सेकंड भी पीछे मत हटना, और नहीं अगली बार मैं कह के निकल जाऊंगा तुमको हां ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा हो। 30% जनता को तब समझ में आता, हाँ कुछ तो पढ़ाया यार इसने। अच्छा ये वही वाला डायग्राम है क्या जो कई सालों से नहीं समझ में आ रहा? अच्छा इस साल भी नहीं आएगा, फिर अगली बार देखेंगे, इससे नहीं किसी और से देखेंगे। रिलैक्स करो और एक सांस लो और बहुत ध्यान से बताओ क्या करना है। मेंडल के तीन काम थे, पहला काम सिलेक्शन ऑफ, दूसरा काम क्रॉस ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस सेल्फ ब्रीडिंग प्रोड्यूस एफ टू। बताओ एक्स एक्स होना इज मेल, एक्स वाई होना इज, हाँ बताओ एक्स क्रोमोसोम में कोई जीन प्रेजेंट है? बॉडी कलर है? और बेटा आई कलर है? बॉडी कलर कितने प्रकार के? एक कौन? येलो बॉडी। और आई कलर दो है, एक व्हाइट और रेड। अब इधर भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूरी हिम्मत से यहां देख गए तो तुम्हें कोई फंसा नहीं सकता। बताओ फीमेल होना एक्स एक्स होना कि एक्स वाई? क्या ये एक्स क्रोमोसोम दिख रहा है? ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम दिख रहा है? अच्छा प्यारा एक्स क्रोमोसोम दिख रहा। अच्छा बताओ मेल होना एक्स वाई है कि एक्स एक्स? क्या ये एक्स क्रोमोसोम दिख रहा है? और ये बेटा एक्स की वाई? वाई। आइए इनमें जीन रखें, ना रखो हमारा क्या जाता है? बताओ वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, यहां पर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और लिख लो ताकि अच्छा रहे। फीमेल कैसी? येलो बॉडी। बोलो मजा नहीं आया। फीमेल येलो बॉडी है और वाइट आई है। अब बताओ फुल स्टॉप, टेस्टर लगा के देखें यहां तक कोई स्पार्किंग तो नहीं है? बल्ब जल रहा है? कोई कोई भी ऐसा दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बताओ, अब बताओ मेल दिख रहा है? इस क्रोमोसोम का नाम वाई है, हाँ एक्स, और इसका नाम मेल दिख रहा है? कैसा? इसकी वजह से ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी, रेड आई है। तो बताओ बेटा डब्ल्यू प्लस है कि डब्ल्यू है? डब्ल्यू प्लस। वाई है कि वाई प्लस? वाई प्लस। होमोजाइगस कि हेटरोजाइगस? होमोजाइगस कि हेमी? इसके सारे गैमेट एक जैसे होंगे? बना ले। फीमेल है? स्पर्म बनेंगे? ओवा बनेगा? और दोनों ओवा में एक्स आएगा कि एक में एक्स एक में वाई? एक में एक्स एक में वाई, दोनों में एक्स आएंगे। तो हम मान ले कि हर बेटा ओवा ऐसा दिखाई पड़ेगा जिसमें एक जगह होगा वाई और दूसरी जगह डब्ल्यू। हमें कोई जल्दी नहीं, हमारे पास अभी 3-4 महीना तुम्हें यही पढ़ाने के लिए, अगस्त तक तुम पढ़ लो बस। बताओ स्पर्म की ओवा? क्योंकि फीमेल से बना कि फीमेल से? फीमेल से। अब यहां से बनाए? दो प्रकार के बनेंगे, एक में जाएगा एक्स, एक में जाएगा वाई, और जितने एक्स जाएंगे एक जैसे होंगे, और जितने वाई जाएंगे एक जैसे होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगी।
एक्स और वाई में क्रॉसिंग ओवर नहीं। बताओ सारे एक्स क्रोमोसोम में क्या होगा? वाई प्लस डब्लू प्लस, और वाई क्रोमोसोम में कुछ नहीं होगा। वाई नॉट कुछ नहीं, क्योंकि ये जीन वाई क्रोमोसोम में नहीं है। भाई साहब समझ में आया? अब बताओ ये स्पर्म की होगा और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या ये इससे फ्यूज हो सकता है? ये इससे भी हो सकता है? तो F1 की दो पॉसिबिलिटी बनेगी। दोनों पॉसिबिलिटी यहां लिख दें। अगर X और X साथ में आ जाएं ये दोनों, तो दोनों X जब साथ में आएंगे तो होमोजाइगस के हेटरोजाइगस, यहां से Y आएगा तो यहां Y प्लस, और यहां से W तो ये W प्लस, मेल की फीमेल। और अगर ये इसके साथ चला जाए तो Y और साथ में ये कौन है? मेल। बताओ ये मेल की फीमेल, और ये वाला बताओ फीमेल जो आई वो क्या है? पता नहीं। वाई प्लस वाई पे डोमिनेंट है, डब्लू प्लस डब्लू पे डोमिनेंट है, फीमेल कैसी आई? ब्राउन बॉडी और रेड आई है, बहुत मदद किया। और मेल येलो बॉडी वाइट आई है, और ये कौन है? एफ वन की एफ टू एफ वन। अब मैं जो पूछूं जवाब दे दो, एफ वन तक तो कम से कम करेक्ट हो जाए। पेरेंट लिया था फीमेल येलो बॉडी वाइट, पर लड़कियां जो पैदा हुई ब्राउन बॉडी रेड आई, उल्टी पैदा हुई। हाँ लड़कियां भी उल्टी पैदा हुई, लड़के भी। बताओ लड़का कैसा लिया था? ब्राउन बॉडी रेड आई, लड़के येलो बॉडी वाइट पैदा हुए। जनरेशन कौन सी है? एफ वन। अब करा दो सेल्फिंग, इनका इन्हीं के साथ, इनका इन्हीं के साथ, पॉसिबल? तो क्या एफ वन इंटर क्रॉस किया गया? एफ वन इंटर क्रॉस करते वक्त यहां बनाओ गैमीट, पहले मेल के गैमीट बनाओ। मेल के तो दो ही गैमीट आएंगे, या तो एक्स या तो वाई, क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल। और सारे एक्स में क्या होगा? वाई डब्लू, और वाई में तो कुछ है ही नहीं, बेचारा वैसे भी निराश है। अब इनकी देखो, इन्होंने कहा कि हम तो वो सब प्रोसेस मानेंगे जिसे बोलते हैं जी वन एस जी टू प्रोफेज मेटाफेज एना। हमने कहा ज्यादा कालाकारी मत बताओ, तुमको क्या करना है एक बार में बताओ। बोले एक बार में देखोगे तो ऐसे लो, पहले हम ऐसे हैं। हमने कहा ठीक हो तो अच्छी बात है। बोले वाई डब्लू के सामने वाई प्लस डब्लू प्लस। बोले अब हम जाएंगे एस फेज में, तो हमने कहा जाओ। बोले अपना अमाउंट कर देंगे डबल, तो कर दो डबल। सर यहाँ था वाई तो यहाँ पर भी वाई, यहाँ था डब्लू तो यहाँ पर भी डब्लू। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वाई के सामने वाई प्लस था, तुमने वाई के सामने वाई क्यों ले लिया? हम इसको देख नहीं रहे, इसका अमाउंट डबल कर रहे। हम तरह तरह के जो क्वेश्चन से शिकार आदमी है, बहुत परेशान है। तो पहले इस क्रोमोसोम को डबल करो। अब बताओ इसको डबल करें? इसको भी डबल करोगे तो बताओ इसमें क्या था? वाई प्लस। दोनों कर पाओगे? मैं यहां पर दोनों बड़े बड़े तरीके से लिख दे रहा हूं। ये पहला क्रोमोसोम की डबलिंग और ये दूसरे क्रोमोसोम की डबलिंग, नंबर में कि अमाउंट में? अमाउंट में। तो बताओ यहां पर क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। वाई डब्ल्यू, यहां पर वाई डब्ल्यू। अच्छा वहां पर क्या होगा? Y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। यहां तक करंट आ रही है? ये डबल करेगा तो Y से Y, W से W, और ये डबल करेगा Y प्लस से Y प्लस W प्लस से W। अब क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी। कर लो यहाँ क्रॉसिंग ओवर, शायद समझी में आ जाए। क्या फायदा हो ही जाए, कहो कुछ फायदा, क्या पता आ ही जाए। अब बताओ जब ये क्रॉसिंग ओवर हुए तो यहाँ था वाई डब्ल्यू, यहाँ था वाई प्लस डब्ल्यू, और यहाँ था, हाँ यहाँ था वाई, यहाँ था डब्ल्यू, यहाँ था वाई प्लस, यहाँ था क्रॉस हो गया। अब बताओ कितने गैमीट बने? चार। चारों बनाओ। पहला वाई डब्ल्यू इस क्रोमेटिड का, और बोलो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। अच्छा ये बोलो Y W प्लस। अच्छा ये बोलो Y प्लस W।
इन दोनों के बनने की टेंडेंसी 50% से कम होगी, क्योंकि हर क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल नहीं है। अब तुम्हारा गरीब टीचर इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता, हर क्रॉसिंग ओवर जरूरी नहीं कि इन दोनों को अलग कर दे। यस और नो? तो 100% क्रॉसिंग ओवर में 100% सक्सेस होती तो कितने परसेंट गैमेट बनते? 50। और हर क्रॉसिंग ओवर अगर सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो गैमेट 50% नहीं। जगाते रहना। तो बताओ ये वाले गैमेट, बेटा मेरे ये वाले गैमेट बताओ, पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट। ये वाला पेरेंटल, ये वाला पेरेंटल, ये वाला मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अगर आया रिकॉम्बिनेंट बनने की टेंडेंसी कम की ज्यादा? क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बन रहा। किससे? क्रॉसिंग ओवर। और 100% क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल? अगर 100% सक्सेसफुल हो रही है इसका मतलब दिन दोनों एंड पर है, और ऐसा यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्रोमोसोम हर बार अलग नहीं। इसका मतलब इनके 100% सक्सेसफुल होते तो 50% गैमेट बनते, और अगर 100% से कम सक्सेसफुल है तो 50% से गैमेट कम है। फिलहाल ये 4 प्रकार के ओवा और 2 प्रकार के स्पर्म अपने वेरियस कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं, और जैसा एनसीईआरटी लिखती है मैंने वैसा ही लिखने की कोशिश करनी है। तो मैं 2 ब्लॉक बना दे रहा हूं, पहले ब्लॉक में मेल, दूसरे ब्लॉक में फीमेल। लिखें तो बताओ, जब ये ओवा वाई से क्रॉस करेंगे, मेल की फीमेल? पता नहीं, करें? अरे आप करिए, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। करेंगे आप? चलो करिए, चलो करिए। बताओ ये क्या है? वाई डब्ल्यू किसके साथ आया? वाई के साथ। तो बताओ एक मेल वाई डब्ल्यू, चलो दूसरा मेल वाई प्लस डब्ल्यू। वाई प्लस डब्ल्यू, चलो ये वाई प्लस डब्ल्यू वाला है, और दूसरा क्रोमोसोम वाई, मेल की फीमेल? आप आइए इधर आइए। तीसरा वाई वाई डब्ल्यू प्लस, और ये वाला क्रोमोसोम दूसरा कलर ही बता सकता। बताओ मेल की फीमेल? मेल। और चौथ? नहीं सही नहीं है, सही तो हम तुम्हें बताएंगे क्या, अगर सही होता तो फिर काय को बताओ ये क्या है? Y प्लस W और Y, अब ये बोलो चलो भाई वाई डब्ल्यू प्लस कर लेते हैं। ये एक पैर मेल, ये एक मेल, दो मेल हो गए। चलो वाई डब्ल्यू प्लस, और ये वाला वाई, मेल की फीमेल? मेल। और चलो ये बताओ Y प्लस W, और ये मेल है? Yes. बताओ कितने मेल? 4। बताओ ये पेरेंटल की बेटा रिकॉम्बिनेंट? पेरेंटल। और ये भी पेरेंटल, ये वाला रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट। मेल की फीमेल? मेल। यस और नो? तो बताओ इन्होंने सारे Y स्पर्म के साथ क्रॉस कर लिया, अब चलो X के साथ कराओ, कराओ तुम्हारे हवाले बतन साथी हूँ। ये वाला आया? बोलो वाई डब्ल्यू। चलो ये बोलो, पहले सारे ओवा लिख लो, वाई प्लस डब्ल्यू। चलो ये बोलो वाई डब्ल्यू प्लस। अच्छा ये बोलो वाई प्लस डब्ल्यू। अब इसमें एक्स क्रोमोसोम ऐड करते हैं, करें? हर बार एक्स क्रोमोसोम वही वाई डब्ल्यू, ये वाला Y W, ये वाला Y W, और ये वाला Y W। अब बताओ पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, और ये वाला पेरेंटल, ये वाला रिकॉम्बिनेंट, ये वाला रिकॉम्बिनेंट। बताओ ये सारे, और ये सारे रिकॉम्बिनेंट। अब देखो बुक में लाओ, मेल देखो, पहला Y प्लस W प्लस, दूसरा Y प्लस W, तीसरा
वाई डब्ल्यू प्लस, चौथा वाई डब्ल्यू, मिल गए चारों। अब फीमेल देखो, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये रही फीमेल, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये रही वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, दूसरी फीमेल देखो वाई प्लस डब्ल्यू, तीसरी वाई डब्ल्यू प्लस, चौथी वाई डब्ल्यू, बाकी दूसरा क्रोमोसोम हमेशा वाई डब्ल्यू रहेगा, यस और नो? अब बताओ ये पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल, और ये वाले रिकॉम्बिनेंट, क्या ये गैमेट रिकॉम्बिनेंट थे? तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट से जो बनेगा उनका नाम रिकॉम्बिनेंट, और इनका परसेंटेज बुक में दिया है 1.3%, बाकी परसेंटेज ये बोलो कितना, 98.7, तो पेरेंटल कितना 98 पॉइंट, और रिकॉम्बिनेंट 1 पॉइंट। और मैंने पढ़ाया था कि जब लिंकेज होगा क्या क्या बढ़ने लगेगा, पेरेंटल क्या कमर लगा रिकॉम्बिनेंट, तो ये बहुत टाइट लिंकेज है, क्यों? क्योंकि पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट कितना चला गया 100%, और रिकॉम्बिनेंट कितना 1.3%, अभी भी नहीं आया, आया? और इसी के साथ दूसरा डायग्राम भी दिया है, और दूसरा डायग्राम मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं वहां पर दो जीन की बात कर रहा हूं, डब्ल्यू एम जीन, कौन सी जीन? और बोल रहे डब्ल्यू एम जीन में रिकॉम्बिनेंट आया 37.2, कितना? और बेटा पेरेंटल कितने आए? 60, तो बताओ पेरेंटल यहां पर भी 50% से ज्यादा, और रिकॉम्बिनेंट यहां भी 50% से कम, और मैंने बोला था जब भी रिकॉम्बिनेंट 50% से कम जाएगा क्या है लिंकेज, और जब भी पेरेंटल 50% से ज्यादा जाएगा ये क्या है रिकॉम्बिनेंट, लेकिन यहां रिकॉम्बिनेशन कम बढ़ रहा है कि ज्यादा पता नहीं, और यहां पर बताओ ये टाइट की लूज, और ये वाला लूज, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट केवल कितने हैं 1.3। अब रहा इस क्वेश्चन का जवाब दो, तुम ही से उम्मीद है, बाकी तो सुन रहे मजे कर, बताइए इस केस में जिसमें 1.3% रिकॉम्बिनेशन है, 100 क्रॉसिंग ओवर में कितनी क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल हो रही है? 1.3%, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ कान पकड़ के, जिस समय रिकॉम्बिनेंट 1.3% बन रहा है उस समय पर वाई और डब्ल्यू जीन के बीच में कितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल है? 13%, कान पकड़ो पकड़ो ये, अब हम तुम्हें बताते हैं, हाथ हटाओ नीचे, हर 2% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर 1% रिकॉम्बिनेशन देती है, तो जितना भी रिकॉम्बिनेंट है इसका डबल सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर आएगा, नहीं आएगा? कितना? बैठो चित्रांश, इसमें बताओ इसमें कितनी क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल हुई है? इसका दोगुना, 100% क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल हो गए, अगर रिकॉम्बिनेंट कितना है 50%, तो 100% क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल, और वो कब होगा? जब जीन हर बार अलग हो, और ये कब हो? इनडिपेंडेंट। अब रार इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तुमने बहुत गलत किया, इसका मतलब तुम्हें नहीं आया समझ, आया? मैंने क्या पढ़ाया था, हर 2% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर 1% रिकॉम्बिनेशन, तो बताओ दोनों के दोनों जीन लिंक हैं, तीन जीन लिंक हैं, W, M और Y, तो बताओ W और Y के बीच में लिंकेज बहुत ज्यादा, और बेटा W और M के बीच में लिंकेज बहुत कम, तो बताओ टाइट की लूज, क्यों? क्योंकि इनके पास रिकॉम्बिनेशन ज्यादा और इनके पास रिकॉम्बिनेशन कम, तो जो टाइट है उसके पास रिकॉम्बिनेशन कम और जो लूज है उसके पास रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, याद रखना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन का एक स्टूडेंट था, स्टर्टिवेंट, उसने जीन मैपिंग का आइडिया दिया और उसने बहुत सिंपल बात बोली
कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो जीन ज्यादा दूर है, और अगर रिकॉम्बिनेशन कम है तो जीन पास पास है। और उसने एक आइडिया दिया कि 1% रिकॉम्बिनेशन मतलब 1 मैप यूनिट, और इस हिसाब से जब आपको वाई और डब्ल्यू के बीच में 1.3% रिकॉम्बिनेशन मिले, इसका मतलब वाई और डब्ल्यू बहुत पास हैं, उनमें केवल 1.3 मैप यूनिट की दूरी है। और जब W और M में रिकॉम्बिनेशन आपको 37.2% मिला, इसका मतलब इन दोनों में दूरी 37.2 मैप यूनिट की है। और इस तरीके से जीन मैप बनाए गए, यानी आप क्रोमोसोम में हर जीन की पोजीशन देख सकते हो। जो जीन पास पास उनके रिकॉम्बिनेशन कम, और जो जीन दूर दूर उनके रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। और यही जीन मैपिंग बहुत काम आए जब हमने HGP पढ़ा। व्हाट इज HGP? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और वहां पढ़ाऊंगा कि वाई क्रोमोसोम में कितने जीन पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 में कितने पाए जाते हैं, क्रोमोसोम 1, 2, 9, 6, 8, क्रोमोसोम नंबर में 2968 जीन है, 2968 क्रोमोसोम नंबर 1 में। और इन सब की मैपिंग की जा चुकी है, जिनके बीच में दूरी ज्यादा उनका रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, और जिनकी दूरी कम उनका रिकॉम्बिनेशन कम। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ज्यादा रिकॉम्बिनेशन दूरी ज्यादा, और कम रिकॉम्बिनेशन दूरी कम। और मैं तुमको बोल रहा हूं कि अगर मैंने खाली ये पैराग्राफ पढ़ाया होता तुम्हारे चाचा भी ना समझ पाते। आओ पैराग्राफ भी पढ़ लो, घर जाओ ताकि खुश होकर जाओ। चलो, मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक। द क्रॉस वर सिमिलर टू डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस थे वो डाईहाइब्रिड क्रॉस जैसे सिमिलर थे, मैंने इसीलिए हटाए नहीं अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी व्हाइट आई। भूल गए होगे, बोलो कौन सी बॉडी? अच्छा वही वाला हटा दिया जो नहीं हटाना चाहिए था। बोलो कौन? येलो बॉडी व्हाइट आई। मेल की फीमेल? भूल गए, मेल की फीमेल। वाई डब्ल्यू फीमेल ली थी, और मेल लिया था वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई क्रोमोसोम। आइए, फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीज व्हाइट एड फीमेल टू ब्राउन आई बॉडी रेड आई मेल एंड इंटर क्रॉस दियर F1 प्रोजनी। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब दोनों जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ऑफ ईच अदर। एंड F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1। बोलो 9:3:3:1 में पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट। तो बताओ उनका रेशियो 9:3:3:1 आया कि डेविएट हो गया? अब मैं पूछता हूँ बिना पढ़ाए, बताओ क्या डेविएट हो गया होगा? तो रिकॉम्बिनेंट बढ़े होंगे कि कम हो गए? कम हो गए। बढ़े और पेरेंटल बढ़ गए। You got it? आगे पढ़ो, लिखा होगा। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन और उनके ग्रुप के लोग जानते थे कि जीन जो है वो दोनों जीन एक्स क्रोमोसोम पर ही हैं। एंड सो क्विकली दैट व्हेन टू जीन इन अ डाईहाइब्रिड कोर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। बताओ जब भी कभी कोई लिंकेज होगा क्या बढ़ जाएगा? पेरेंटल। और क्या कम हो जाएगा? नॉन पेरेंटल। एंड व्हाट वाज द नॉन पेरेंटल? रिकॉम्बिनेंट। एनसीईआरटी की लाइन, आगे चलो। मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन एंड पॉइंट टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन।
इस लाइन को ध्यान से समझिए, इन्होंने इसके लिए एक टर्म क्वाइन किया, नाम बताओ, लिंकेज, और बोला एक जीन एक क्रोमोसोम में पाई जाने वाली सारी जीन क्या कहलाएंगी, लिंकेज, और उनके बीच में अगर कोई रिकॉम्बिनेशन आया भी तो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट, और रिकॉम्बिनेंट होने का कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। आगे चलो, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप also found that when genes were grouped on the same chromosome, some gene were very tightly linked, so very low recombination, and while other were loosely linked with so high recombination. For example, he found that the gene white and yellow were tightly linked and so only 1.3% recombination. जिसके बारे में आधे घंटे से मैं परेशान था, Y और W में कितना परसेंट, 1.3% टाइट की लूज टाइट, व्हाइट एंड मिनिएचर विंग, व्हाइट एंड मिनिएचर विंग, वाई डब्ल्यू की वाई एम, सॉरी डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम, इनमें कितना है 37.2%। हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टिवन यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप दियर पोजिशन ऑन क्रोमोजोम। मैंने क्या पढ़ाया, 1% रिकॉम्बिनेशन बराबर 1 मैप यूनिट, अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा तो मैप यूनिट ज्यादा, एंड टूडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम वाज डन इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। और दो क्रॉस दिए गए, पढ़ाया कुछ नहीं गया, पहले क्रॉस में परसेंटेज 1.3, दूसरे वाले में 37.2, जिसमें 1.3% है वो टाइट है और जिसमें 37.2 है लूज। नहीं आया, अगर ये पैराग्राफ अकेले में पढ़ता ना पसीने छूट जाते तुम्हारे, इसलिए 1.5-2 घंटे केवल उसका मैंने पेज नंबर 82 खोलो, दो कॉलम बने हैं, पहला कॉलम ए दूसरा कॉलम बी, और जो लोग बहुत एलएनएलएन की गाने गाते हैं ना, गलतियां किसी से भी होती हैं, शुरुआत के 4 साल एलएन ने इसे गलत पढ़ाया और आज जाकर के नई बुक सुन की देखो उन्होंने इसको सही माना। उन्होंने दो कॉलम दिए हैं और दोनों कॉलम में एक कॉलम का नाम ए और एक का नाम बी और कुछ सेंटेंस दिए हैं और नीचे पूछा है, तीसरा सेंटेंस के बाद नीचे पूछा, कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम इज कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, तुम्हें इसमें से कौन जीन है कौन क्रोमोसोम है पता लगाना है। और सुनो, आधे से ज्यादा लोग और आधे से ज्यादा कोचिंग पूरे दुनिया की, पूरे यहां पर इंडिया की गलत पढ़ा रही है। क्यों गलत पढ़ा रही, सुन लो उसकी हेडिंग पढ़ो, कंपेरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम एंड जीन। चूंकि बेटा लिखते वक्त पहले क्रोमोसोम आया दूसरे जीन आया, तो लोगों ने अपने आप ए को क्रोमोसोम मान लिया बी को जीन मान लिया, और ये तुमने नहीं एलन तक ने किया, अभी उन्होंने सुधार दिया। और आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन जीन है कौन क्रोमोसोम है, मेरी बात नहीं माननी, किसकी माननी, और ध्यान से सुनना, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को मैं तुम्हारे सामने रखता हूं और आप बताओ कि ये सेंटेंस किसके लिए सही है। इसमें से एक जीन है और एक क्रोमोसोम है, पता नहीं कौन जीन है कौन क्रोमोसोम है, पर एनसीईआरटी में पहले लिखा है क्रोमोसोम दूसरे जीन, तो ज्यादातर लोगों ने पहले को क्रोमोसोम मान लिया दूसरे को जीन मान लिया, मैं पहले ही कट कर दे रहा हूं, ये गलत है, इसका मतलब तुम जानते हो सही क्या है, लेकिन इसे प्रूव करना है। फिर से पूछ रहा हूं क्वेश्चन, Can you tell which of these column A or B represent the chromosome and which represent the gene? And how did you decide? तुमने ये decide कैसे किया? अभी decide करवाते हैं तुमसे। पहला sentence occurs in pair. दूसरा occurs in pair. ये तो दोनों के लिए सही है। बताइए पेयर में तो क्रोमोसोम भी रह सकता है और पेयर में जीन भी रह सकता है, ये सेंटेंस डिसाइड करने लायक नहीं डिसाइड कर सकता कि इनमें से कौन जीन कौन क्रोमोसोम। अगला सेंटेंस,
सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमीट. तो बोलते हैं सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. ये बात क्रोमोसोम के लिए भी सही है और ये बात जीन के लिए भी सही है. एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, इससे भी कुछ पता नहीं लगाया जा सकता. देख लो दूसरा कॉलम भी देख लो, नहीं तो नहीं मन नहीं मानेगा. दूसरा कॉलम भी सेग्रीगेशन एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट. द सेम सेंटेंस, जब सेंटेंस सेम है तो चाहे वहां जीन रख दो चाहे क्रोमोसोम रख दो, दोनों सेंटेंस दोनों के लिए सेम है. तीसरा सेंटेंस डिसाइड करेगा कौन जीन है कौन क्रोमोसोम है. मैं पहले बी वाला लिख रहा हूं. बोलते हैं वन पेयर, जो मैं लिख रहा हूं सुनना, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर. ऐसा लगता है ये भी दोनों के लिए सही है, ऐसा लगता है. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के लिए तो एकदम सही लगता है. बताओ क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 बाईसवां 23वां, पहला वाला क्रोमोसोम दूसरे वाले क्रोमोसोम के साथ डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, पहला वाला तीसरे के साथ, दूसरा वाला पांचवें के साथ, कोई भी पेयर किसी भी पेयर के रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट, यस और नो? लेकिन यही सेंटेंस वो यहां नहीं लिख पाए. उन्हें ये नहीं लिख पाए कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट. इन्होंने लिखा इंडिपेंडेंट पेयर विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंट पेयर विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. अब आपको लगेगा सेंटेंस सेम है, सेंटेंस सेम नहीं है, बहुत अलग है. क्यों? क्योंकि जीन ही ऐसे हो सकते हैं जो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. यही दो घंटे से कर रहा हूं. अगर जीन अलग अलग क्रोमोसोम में है तो डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, इनका सेग्रीगेशन तो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली. लेकिन जो जीन एक ही क्रोमोसोम में है वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट. अब बताओ इनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होगा कि नहीं होगा. इसका मतलब वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर इसमें लागू होगा कि नहीं लागू, यानी वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अदर पेयर ये हमेशा जीन पे लागू क्योंकि ये जीन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट. इसका मतलब ये सेंटेंस जीन पर लागू, इसका मतलब ये सेंटेंस जीन के साथ किसके साथ जाएगा, क्रोमोसोम के साथ, और ये सेंटेंस जीन के साथ. एंड दैट्स व्हाई ए इज जीन, बी इज. अभी भी बहुत सारे लोगों का मन नहीं मानेगा, बहुत सारे लोगों का नहीं मानता. फिर सुन लो, अगर ये वाली बात तुम जेटा जीन में लगा दो तो मैं मान जाऊं. बोलो वन पेयर सेग्रीगेट, अगर तुम इसे जीन मानते हो तो बताओ वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर ये हमेशा सही होना चाहिए, होना चाहिए. अगर ये जीन के लिए सही है तो ये हर जीन के लिए सही होना चाहिए, यस सर. बताओ ये इस जीन के लिए तो सही है लेकिन इसके लिए सही है. तो बताओ इस जीन ये वाला सेंटेंस इनके लिए सही है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक पेयर दूसरे पेयर के रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कैसा हो रहा, डिपेंडेंट. इसका मतलब लिंकेज होने पर ये वाला सेंटेंस जीन पे लागू नहीं होगा, पर ये वाला सेंटेंस किस पे लागू होगा, क्रोमोसोम हमेशा, यस. क्योंकि क्रोमोसोम कभी लिंक, जीन केवल लिंक होती है. तो बताओ ये बात कि जीन इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है ये किस पर लागू होती है, जीन पर कि क्रोमोसोम पर, जीन पर. तो डिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंट होना किसका फीचर है, जीन का. और इससे पता चलता है कि वो डर के बोल रहे सारे पेयर सेग्रीगेट नहीं होंगे, वही पेयर सेग्रीगेट होंगे जो क्या है, इंडिपेंडेंट. और उन्होंने इंडिपेंडेंट बोला है इसका मतलब वो डर रहे अंदर अंदर क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ये इंडिपेंडेंट है तो कुछ लोग कैसे हैं और जो डिपेंडेंट है वो लिंक है, यस और नो. तो पहला सेंटेंस तभी, ये तीसरा सेंटेंस तभी जाएगा जब क्रोमोसोम होगा कि बेटा जीन होगा, जीन. वरना ये वाला जो सेंटेंस है तो इसमें तुमने जीन पे लगाया, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हर पेयर यहां
इंडिपेंडेंट नहीं, कन्विंस और नॉट, पक्का, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।